ऐसे ही और भी एपिसोड को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि शालिनी कहां पर चली गई। अभी कुछ देर पहले यहीं पर तो सो रही थी। युग कमरे से बाहर निकलता है और शालिनी को आसपास के कमरों में ढूंढने लग जाता है, पर उसे शालिनी वहां पर भी नहीं मिलती है। युग सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोस्त अभी भी हॉल में ही बैठे हुए थे। युग वहीं से आवाज लगाते हुए कहता है, कायर, शालिनी नीचे आई क्या? कायर सोफे पर से उठते हुए कहता है, नहीं, शालिनी तो नीचे नहीं आई, वो तो अपने कमरे में सो रही थी ना। युग परेशान होते हुए कहता है, हाँ सो तो रही थी, पर अब वो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ पर चली गई। अभिमन्यु युग को हौसला देते हुए कहता है, यार यहीं कहीं होगी, तो परेशान मत हो, तू ऊपर ढूंढ, हम यहाँ पर नीचे ढूंढते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु, कायर और कछुआ भी शालिनी को ढूंढने में लग जाते हैं। युग लाइन से एक कमरे में शालिनी को ढूंढने लग जाता है। युग शालिनी को एक कमरे के अंदर आवाज लगाते हुए कहता है, शालिनी, शालिनी कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आता है। युग शालिनी को दूसरे कमरे में ढूंढने के लिए जाता है। ऐसा करते करते युग उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां पर 20 साल पहले उसके मम्मी पापा रहा करते थे। जब युग उस कमरे के अंदर पहुंचता है तो वो सब कुछ देखकर एकदम से खामोश हो जाता है। उस कमरे का सामान आज भी वैसा ही जमा हुआ था जैसा तब जमा हुआ था जब उसके मम्मी पापा उस कमरे में रहा करते थे। युग कमरे के अंदर लगे सामान को मंत्रमुग्ध होकर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे के अंदर लगी खिड़की पर पड़ती है। जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि वहां से ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे जो कुआं था वो साफ दिखाई दे रहा था। कुएं के पीछे कुछ हलचल हो रही थी, बाहर अंधेरा था जिस वजह से सब कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। जब युग गौर से कुएं की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है। वो देखता है कि कुएं की पायरी पर चढ़कर एक लड़की दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह यामिनी बैठा करती थी। उस लड़की के बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। देखते ही देखते उस लड़की के आसपास जुगनू मंडराने लग जाते हैं, जिस वजह से उस लड़की के आसपास थोड़ी बहुत रोशनी हो गई थी। उस लड़की का बदन बिल्कुल यामिनी के बदन की तरह दिख रहा था। युग मन ही मन सोचता है, ये लड़की कौन है जो कुएं के ऊपर चढ़कर बैठी हुई है? युग ने इतना सोचा ही था कि तभी वो लड़की झट से पीछे मुड़ जाती है और पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखने लग जाती है जहां पर युग खड़ा हुआ था। जब युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुएं के ऊपर और कोई लड़की नहीं बल्कि यामिनी बैठी हुई थी जो बड़े ही प्यार से युग को देखकर मुस्कुरा रही थी। यामिनी को कुएं पर बैठा हुआ देखकर युग की बोलती बंद हो गई थी। वो हक्का बक्का रह गया था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यामिनी बैठी हुई थी। यामिनी खिड़की की तरफ युग को देखते हुए बड़े ही प्यार से बोलती है, युग बाबू आइए ना, मैं आपका यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, आप अपनी यामिनी के पास नहीं आएंगे? जैसे ही युग ये बात सुनता है वो समझ जाता है ये सब सपना नहीं था बल्कि सच था। वो अपनी यामिनी की आवाज पहचान सकता था। उससे यामिनी की आवाज पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। यामिनी फिर बड़े ही प्यार से युग को पुकारती है, आइए ना युग बाबू, मेरे पास आइए। युग खुद से कहता है, मैं आ रहा हूँ यामिनी, तुम वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर युग वहां से भागने लग जाता है। युग भागते हुए खुद से बड़बड़ाता है, मैं आ रहा हूँ यामिनी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ यामिनी। यही बड़बड़ाते हुए युग हॉल में पहुंच जाता है और भागते हुए कोठी के पीछे के दरवाजे की तरफ जाने लग जाता है। हॉल में ही कायर, अभिमन्यु और कछुआ भी थे जिन्होंने युग को कोठी के पीछे के दरवाजे की तरफ भागते हुए देख लिया था। कछुआ बिचकते हुए कहता है, ये युग कोठी के पीछे क्यों जा रहा है? कायर युग के पीछे पीछे जाते हुए कहता है, कोठी के पीछे क्यों जा रहा है वो बाद में सोचना, पहले ये सोच कि ये तो शालिनी को ढूंढ रहा था ना, अचानक से ये यामिनी यामिनी क्यों करने लग गया? कछुआ भी युग के पीछे जाते हुए कहता है, लगता है ये यामिनी का भूत इस पर फिर से सवार हो गया, तभी शालिनी से फिर यामिनी पर आ गया। अभिमन्यु युग को रोकते हुए कहता है, युग रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक जा। पर युग नहीं रुकता है, वो आज किसी के लिए नहीं रुकने वाला था। वो बस जल्दी से जल्दी कुएं के पास पहुंचना चाहता था, उसे अपनी यामिनी से जो मिलना था। भागते भागते युग ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे आ जाता है। कुएं की पायरी पर अभी भी एक लड़की दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। उसके आसपास जुगनू जगमग 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 आ रहे थे। लड़की को वहीं पर बैठा हुआ देखकर युग के कदम अपने आप रुक जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के पास उसकी यामिनी बैठी हुई थी, वो यामिनी जिसे वो 9 महीने पहले खो चुका था। युग धीरे धीरे अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग आवाज लगाता है, यामिनी, यामिनी देखो मैं आ गया। कुएं के ऊपर बैठी लड़की को जवाब नहीं देती है, वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। ऐसा लग रहा था उस लड़की तक युग की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही थी।
युग यामिनी यामिनी बड़बड़ाते हुए ही उस लड़की के पास जाते जा रहा था। युग उस लड़की के पास पहुंच जाता है। युग के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। यामिनी से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। युग एक लंबी आह भरता है और सच्चे दिल से यामिनी को याद करते हुए कहता है, यामिनी। जैसे ही युग के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, कुएं की पायरी पर बैठी लड़की पीछे मुड़ जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो युग के चेहरे के पीछे की खुशी अपने आप गायब हो जाती है। उसका मन उदास हो गया था। कुएं पर यामिनी नहीं बल्कि शालिनी बैठी हुई थी। युग समझ गया था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा था, एक वहम था जो उसके दिमाग ने गढ़ा था। युग यामिनी को आज तक नहीं भुला पाया था, इसी कारण खिड़की पर से उसे शालिनी यामिनी की तरह दिखने लग गई थी। युग मायूसी के साथ कहता है, शालिनी तुम यहाँ? शालिनी जवाब देती है, क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती युग जी? युग जवाब देता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आ सकती हो पर बताकर आना था ना, अंदर हम लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। शालिनी तुरंत कहती है, मैंने सोचा था आपको बता दूं पर आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। युग कहता है, इसमें डिस्टर्ब की क्या बात है शालिनी, जितना वो लोग मेरे दोस्त हैं उतना तुम भी हो। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, उल्टा कुएं के अंदर गौर से देखने लग जाती है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये शालिनी कुएं के अंदर क्या देख रही है। इतना सोचकर युग भी कुएं के अंदर झांकता है, पर उसे सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आता है। शालिनी कुएं के अंदर देखते हुए कहती है, बहुत अच्छा लगता है युग जी यहाँ पर बैठकर, एक अपनापन सा लगता है। युग यामिनी को याद करते हुए कहता है, उसे भी कुएं के पास बैठना बहुत पसंद था। शालिनी झट से पूछती है, किसे युग जी? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां पर अभिमन्यु कायर और कछुआ आ जाते हैं। अभिमन्यु आते से ही कहता है, अच्छा शालिनी तो तुम यहाँ पर बैठी थी? शालिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है। कछुआ अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, यार अब तो शालिनी भी मिल गई, फिर खाने का कार्यक्रम शुरू करें, बहुत जोर से भूख लगी है। युग कछुए की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलें शालिनी। शालिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ चलिए, भूख तो मुझे भी सदियों से लगी है, पता नहीं कब खत्म होगी। शालिनी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि सभी को इस वक्त जोर से भूख लगी हुई थी। शालिनी के पीछे पीछे युग और कछुआ भी जाने लग जाते हैं, पर कायर वहीं पर रुका हुआ था। उसने ना ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया था ना ही पीछे। कायर को वहीं पर रुका हुआ देखकर अभिमन्यु भी वहीं पर रुक गया था। कायर एक एक नजर से कुएं की तरफ देखे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। अभिमन्यु कायर से पूछता है, यार ऐसे अंधेरे में क्या देख रहा है? कायर कुएं की तरफ देखते हुए जवाब देता है, जुगनुओं को देख रहा हूँ। अभिमन्यु अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, जुगनुओं को देख रहा है, पर क्यों, जिंदगी में पहली बार जुगनुओं को देख रहा है क्या? कायर कुएं के पास मंडराते हुए जुगनू को देखते हुए जवाब देता है, पहली बार तो नहीं पर पूरे 9 महीने बाद। तू यहाँ पर नहीं था ना, इसलिए तुझे नहीं पता, पूरे गांव में 9 महीने से एक जुगनू तक नहीं दिखा है। मैं पूरे 9 महीने बाद जुगनू को देख रहा हूँ, वो भी इतनी बड़ी तादाद में। लगता है जुगनू वापस लौट आए हैं यक्षिणी की तरह। कायर की बातें सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है, कायर तू ना आजकल यक्षिणी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है, इसलिए तुझे हर चीज में यक्षिणी दिखने लगी है, थोड़ा कम सोचा कर यक्षिणी के बारे में। कायर अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अभिमन्यु कायर को आगे की ओर धक्का देते हुए कहता है, तो मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मैं भी तो सच ही बोल रहा हूँ ना, चल अब जल्दी जल्दी चल वरना खाना ठंडा हो जाएगा। कायर और अभिमन्यु भी वापस ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे और इस तरफ वर्चस्विनी अपनी बेटी तारा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तारा ने ब्लैंकेट अपनी गर्दन तक ओढ़ा हुआ था। वर्चस्विनी भी उसके बगल में ही लेटी हुई थी। वर्चस्विनी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तारा बेटा सो जा, रात बहुत हो गई है, बच्चों को इतने बजे तक सो जाना चाहिए। तारा मासूमियत के साथ कहती है, नींद नहीं आ रही है मम्मा। वर्चस्विनी कहती है, आ जाएगी मेरी गुड़िया, पहले आप आंखें तो बंद करो। तारा अपनी आंखें बंद करती है पर फिर 2 सेकंड बाद आंखें खोलकर कहती है, नहीं आ रही मम्मा। वर्चस्विनी तारा की शरारत पर मन ही मन हंसती है और बड़े ही प्यार से कहती है, अगर आंखें बंद करने से हमारी गुड़िया को नींद नहीं आ रही तो फिर कैसे आएगी। तारा कुछ सोचते हुए कहती है, मम्मा आप लोरी सुनाइए ना, लोरी सुनने के बाद मुझे नींद आ जाएगी। वर्चस्विनी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अच्छा तो मम्मा से लोरी सुनने के बाद मम्मा की गुड़िया को नींद आ जाएगी। तारा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मम्मा आ जाएगी। वर्चस्विनी अपना सीधा हाथ तारा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, प्रॉमिस। तारा अपने नन्हे से हाथ को वर्चस्विनी की हथेली पर रखते हुए कहती है, हाँ मम्मा पक्का प्रॉमिस। वर्चस्विनी तारा को धीरे धीरे प्यार से थपथपाने लग जाती है। वर्चस्विनी लोरी गाते हुए कहती है, चांदनी रात जगमग रोशनी साथ लाई है,
चांदनी रात जगमग रोशनी साथ लाई है, मेरी तारा की आंखों में, मेरी तारा की आंखों में अब नींद समाई है। चांदनी रात जगमग रोशनी साथ लाई है, आंखें बंद करके अब मेरी गुड़िया सो जाना, आंखें बंद करके अब मेरी गुड़िया सो जाना, सपनों की दुनिया में तारा खो जाना, सपनों की दुनिया में मेरी तारा खो जाना, खो जाना सो जाना, खो जाना सो जाना, मेरी तारा सो जाना, मम्मा की जान तारा सो जाना, सो जाना सो जाना। जैसे ही वर्चस्विनी की लोरी गाकर खत्म होती है, तारा को नींद आ जाती है। माँ के हाथ के स्पर्श में होता ही ईश्वर का वरदान है कि हाथ लगाते ही सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और चुटकियों में नींद आ जाती है। तारा अभी सोई ही थी कि तभी वर्चस्विनी का मोबाइल बजने लग जाता है। वर्चस्विनी के मोबाइल की रिंगटोन से तारा की नींद खुलती, उससे पहले ही वर्चस्विनी अपना मोबाइल हाथ में उठा लेती है, जिस कारण उसके मोबाइल की रिंगटोन बजना बंद हो जाती है, वो वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। वर्चस्विनी अपना मोबाइल देखते हुए कहती है कि चार्ली हमेशा गलत वक्त पर फोन करता है, अब अपनी बेटी के साथ खुशी के पल भी नहीं बिता सकती क्या मैं अच्छे से। वर्चस्विनी तारा के पास से उठने लग जाती है, पर उसी वक्त नींद में ही तारा वर्चस्विनी का हाथ पकड़ लेती है, जिस कारण वो उठ नहीं पाती है। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, अब क्या करूं मैं, फोन उठाऊं या नहीं, तारा को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती, इतनी मुश्किलों के बाद तो सोई है वो। वर्चस्विनी फोन कट कर देती है, पर उसी वक्त दोबारा चार्ली का फोन आने लग जाता है। वर्चस्विनी फिर फोन कट कर देती है। वर्चस्विनी बार बार चार्ली का फोन कट कर रही थी और चार्ली बार बार फोन किए जा रहा था। वर्चस्विनी समझ गई थी चार्ली ऐसे नहीं मानने वाला, उसे फोन उठाना ही पड़ेगा। वर्चस्विनी चार्ली का फोन रिसीव करते हुए कहती है, हाँ चार्ली, बोलो क्यों इतना फोन कर रहे हो, क्या आफत आन पड़ी। चार्ली की आवाज सुनाई देती है, वो मैडम जी ऊपर से ऑर्डर आया है भूपेंद्र बक्सी को छोड़ने के लिए। वर्चस्विनी कहती है, छोड़ेंगे बाद में, पहले ये बताओ उसने अपना मुंह खोला। चार्ली का जवाब आता है, मैडम जी सब कुछ आजमा चुका हूँ पर वो अपनी बात पर कायम है, वही बात जो उसने बताई थी उस नर कुत्ते वाली, मुझे तो लगता है वो सच ही बोल रहा है, वरना इतनी धुलाई करी है ना उसकी, अब तक तो झूठ को भी कबूल कर लेता, पर वो अपने बयान पर कायम है। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। चार्ली की फिर आवाज आती है, बताइए ना मैडम जी क्या करूं, भूपेंद्र बक्सी को छोड़ू या नहीं। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, अब ऊपर से ऑर्डर आया है तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, ऊपर वालों के आगे हमारी कहां चल पाती है, छोड़ दो, छोड़ दो भूपेंद्र बक्सी को, पर हाँ नजर रखना उस पर, समझे। चार्ली कहता है, जी मैडम जी समझ गया, तो छोड़ दो। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ छोड़ दो, कितनी बार बोलूं, छोड़ दो भूपेंद्र बक्सी को। वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि तभी तारा की नींद खुल जाती है। वो वर्चस्विनी का हाथ पकड़ती है और उठकर बैठ जाती है। वर्चस्विनी कुछ समझ पाती है उससे पहले ही तारा अपनी आंखें बड़ी करते हुए भारी आवाज में कहती है, भूपेंद्र बक्सी मरने वाला है। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तारा अपनी आंखें बड़ी करते हुए भारी आवाज में कहती है, भूपेंद्र बक्सी मरने वाला है। तारा की बात सुनकर वर्चस्विनी दंग रह गई थी, उसकी बोलती बंद हो गई थी। तारा फिर बड़बड़ाती है, भूपेंद्र बक्सी मरने वाला है, बक्सी मरने वाला है। वर्चस्विनी तुरंत चार्ली का फोन कट करती है और बौखलाहट के साथ तारा को हाथ लगाते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो तारा बेटी। तारा फिर बड़बड़ाती है, बक्सी मर जाएगा, बक्सी मरेगा। वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा किसी के बारे में, ऐसा बोलना ठीक नहीं होता है। तारा फिर कहती है, बक्सी मरेगा, देखना बक्सी मरेगा। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, बैड मैनर्स तारा बेटा, मैंने अभी कहा ना आपसे ऐसा नहीं बोलते। वर्चस्विनी तारा को अपने सीने से लगाती है और उसको दुलारते पुचकारते हुए वापस से सुला देती है।
तारा के सोने के बावजूद तारा की बातें वर्चस्विनी के कानों में बार बार गूंज रही थी। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर तारा ऐसा क्यों बोल रही थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगले दिन सुबह हो गई थी। चार्ली जिप्सी चला रहा था और उसके बगल में वर्चस्विनी बैठी हुई थी। चार्ली और वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन जा रहे थे। वर्चस्विनी के दिमाग में अभी भी तारा की बातें चल रही थी। वर्चस्विनी अभी भी रात के हादसे से बाहर नहीं आ पाई थी। तारा की फिक्र वर्चस्विनी को सताई जा रही थी। उसका दिमाग तारा में ही उलझा हुआ था। चार्ली जिप्सी चलाते हुए कहता है, मैडम जी पूरा मेहंदी पथार छान मारा है, पर ना ही वो विशाल मिला है ना ही वो काला कुत्ता, पता नहीं दोनों कहाँ पर छुप कर बैठे हुए हैं। वर्चस्विनी को जवाब नहीं देती है, वो तारा की फिक्र में खोई हुई थी। चार्ली थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम जी आपको पता है मुझे क्या लगता है। वर्चस्विनी कुछ नहीं कहती है। जब वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है तो चार्ली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैडम जी मुझे तो लगता है कि वो भूपेंद्र बक्सी ठीक बोल रहा था, वो विशाल एक नर कुत्ता ही है, तभी तो कहां गायब हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से बिल में छुप कर बैठा हुआ है। चार्ली को लगा था वर्चस्विनी जरूर अब उस पर चिल्लाएगी, पर वो कुछ रिएक्शन नहीं देती है। चार्ली समझ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर थी, वरना उसने वर्चस्विनी को गुमसुम आज से पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्विनी के माथे की लकीरों को देखकर चार्ली समझ गया था कि वर्चस्विनी परेशान है। चार्ली बार बार सोच रहा था वर्चस्विनी से पूछे या नहीं, उससे नहीं रहा जाता और वो बड़ी हिम्मत करके पूछ ही लेता है, मैडम जी किस सोच में खोई हुई हैं आप, कुछ परेशानी है क्या। वर्चस्विनी बात को छुपाते हुए कहती है, नहीं चार्ली परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चार्ली जिप्सी का स्टीयरिंग घुमाते हुए कहता है, मैडम जी लगभग एक साल हो गया है हमें आपके साथ काम करते हुए, इतना तो समझ जाता हूँ आपको देखकर कि आप कब परेशानी में हैं और कब नहीं, बताइए ना क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, क्या करूं, चार्ली को तारा के बारे में बताऊं या नहीं, इसे बताना ठीक रहेगा या नहीं। वर्चस्विनी एक लंबी आह भरती है फिर कहती है, चार्ली कल रात ना तारा, इतना कहकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है। चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, तारा बेटा को क्या हुआ मैडम जी, वो ठीक तो है ना, क्या उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। वर्चस्विनी चार्ली को बीच में ही टोकते हुए कहती है, नहीं चार्ली तारा तो अब ठीक है पर। वर्चस्विनी ने इतना ही कहा था कि तभी वो जिप्सी के बाहर देखती है कि बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिस कारण वहां पर बहुत ट्रैफिक जमा हो गया था। जहां पर भीड़ जमा हुई थी वहीं पर एक बड़ा सा शिव भगवान का मंदिर था और उसी लाइन में करीब 400 मीटर दूर पर पुलिस स्टेशन था। वर्चस्विनी बाहर भीड़ को देखते हुए कहती है, ये यहां पर इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है चार्ली। चार्ली जिप्सी से बाहर निकलते हुए कहता है, पता नहीं मैडम जी मैं देख कर आता हूँ। चार्ली के साथ वर्चस्विनी भी जिप्सी से नीचे उतर जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को मना करते हुए कहता है, मैडम जी आप बैठिए ना मैं देखता हूँ ना क्या हुआ है, जरूर किसी ने किसी को ठोक दिया होगा, अक्सर इस लाइन में ये सब होते रहता है। वर्चस्विनी बिना कोई जवाब दिए भीड़ को साइड करते हुए आगे जाने लग जाती है। चार्ली भीड़ को साइड करते हुए कहता है, ए हटो हटो मैडम जी को जाने दो रास्ता दो। वर्चस्विनी और चार्ली की पुलिस ड्रेस देखकर लोग अपने आप साइड होते जा रहे थे। वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया था। जब भीड़ खत्म होती है और चार्ली और वर्चस्विनी मंदिर के एकदम सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ पुलिस वाले और जाटव खड़ा हुआ था। बैरिगेट से पूरे एरिया को कवर कर दिया गया था। वर्चस्विनी को वहां पर देखकर जाटव तुरंत वर्चस्विनी के पास आ जाता है। वर्चस्विनी फटाक से जाटव से पूछती है, यहां पर इतनी भीड़ क्यों जमा है जाटव, क्या हुआ है। जाटव हिचकिचाहट के साथ कहता है, वो मैडम जी यहाँ पर कल रात खून हो गया है, मैं आपको इन्फॉर्म करने ही वाला था कि देखिए आप खुद आ गई, मैं भी अभी बस 10 मिनट पहले ही पहुँचा हूँ यहाँ पर। चार्ली घबराते हुए पूछता है, क्या कहा खून हो गया, किसका खून हो गया। जाटव चार्ली के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही वर्चस्विनी की नज़र रोड पर पड़ी लाश पर पड़ती है। जब वर्चस्विनी लाश का चेहरा देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वर्चस्विनी के पैर थर थर कांपने लग गए थे। चार्ली की नजर भी लाश पर पड़ती है। लाश का चेहरा देखकर वो भी हक्का बक्का रह गया था। चार्ली लाश को देखते हुए हकलाते हुए कहता है, ये तो भूपेंद्र बक्सी है, इसे किसने मार दिया। रोड के बीचों बीच और किसी की नहीं बल्कि भूपेंद्र बक्सी की लाश पड़ी हुई थी। भूपेंद्र बक्सी को रातों रात किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। भूपेंद्र बक्सी की पूरी बॉडी पर बस एक जगह से रक्त का रिसाव हुआ था और वो था उसका गला। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से भूपेंद्र बक्सी के गले पर काटा था जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। भूपेंद्र बक्सी के गले के पास मक्खियां भिनभिनाने लग गई थी। वर्चस्विनी भूपेंद्र बक्सी की लाश को देखते हुए कहती है, तारा की बात सही हो गई। चार्ली तुरंत पूछता है, कौन सी बात मैडम जी। वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, तारा ने रात में कहा था कि भूपेंद्र बक्सी मर जाएगा और वो सच में मर गया, पर ये कैसे हो सकता है।
तारा की कही बात सच कैसे हो सकती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सभी लोग उठ गए थे शालिनी को छोड़कर। घर के सभी लोगों ने चाय पी ली थी और इस वक्त युग शालिनी के लिए उसके कमरे में गर्मा गर्म चाय लेकर जा रहा था। जब युग शालिनी के कमरे में चाय लेकर पहुंचता है तो देखता है कि शालिनी कमरे के अंदर बनी खिड़की के पास बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। युग शालिनी के पास पहुंच जाता है पर उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि उसके पीछे युग खड़ा हुआ था। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये शालिनी खिड़की के बाहर इतनी गौर से क्या देख रही है, जरा मैं भी तो देखूं। इतना कहकर युग भी खिड़की से बाहर झांकने लग जाता है पर उसे सिवाय उसके द्वारा लगाए गए लंबे लंबे बांस के पेड़ के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। अचानक से शालिनी एक लंबी आह भरती है जैसे कोई खुशबू सूंघ रही हो। लंबी आह भरने के बाद शालिनी बिना युग की तरफ देखे खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, युग जी आप आ गए चाय लेकर? युग शॉक्ड होते हुए पूछता है, हाँ आ गया पर तुम्हें कैसे पता कि मैं चाय लेकर आया हूँ, तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। शालिनी युग के हाथ से चाय का कप और प्याली लेते हुए कहती है, चाय की खुशबू सूंघकर आप चाय बनाते ही इतनी अच्छी है कि देखिए पूरा कमरा महकने लग गया आपके चाय लाते ही। युग को ये बात बहुत अजीब लगती है पर वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता है, चुप ही खड़े रहता है। शालिनी चाय की चुस्कियां लेते हुए फिर से खिड़की के बाहर देखने लग जाती है। युग हिचकिचाते हुए शालिनी से पूछता है, शालिनी तुम इतनी गौर से ये बाहर क्या देख रही हो? शालिनी चाय पीते हुए कहती है, देख नहीं रही हूँ युग जी बल्कि सोच रही हूँ। युग बिचकते हुए पूछता है, सोच रही हो? क्या सोच रही हो शालिनी? शालिनी जवाब देती है, यही कि आपने कितनी मेहनत करके ये बांस लगाए हैं, अगर गलती से इन्हें कुछ हो गया तो। युग शालिनी को घूरते हुए कहता है, कुछ हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है शालिनी? शालिनी अपनी बात को समझाते हुए कहती है, मतलब ये युग जी कि अगर ये बांस सड़े निकले या पूरी फसल खराब निकली तो तब आप क्या करेंगे? युग मायूसी के साथ कहता है, अगर बांसों को कुछ भी हुआ ना शालिनी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी सब कुछ मेरी ये फसल ही है, तुम्हें नहीं पता कितनी मेहनत से ये सब तैयार किया है मैंने। शालिनी हमदर्दी जताते हुए कहती है, मुझे सब पता है युग जी, तभी तो ये सब कह रही हूँ, आपने मेहनत तो बहुत करी है पर एक गलती कर दी। युग शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, कैसी गलती? शालिनी जवाब देती है, बांस को ग्रेवयार्ड कोठी की जमीन पर उगाकर। आपको पता है ना ग्रेवयार्ड कोठी को ग्रेवयार्ड कोठी क्यों कहा जाता है? युग कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ पता है, अभिमन्यु ने बताया था मुझे एक बार, कई सालों पहले यहाँ पर कब्रिस्तान था पर अंग्रेजों को रहने के लिए जगह चाहिए थी तो राजा ने उन्हें ये जगह भेज दी और अंग्रेजों ने यहाँ पर एक कोठी बनाई थी। कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी और कब्रिस्तान को इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहा जाता है, इसलिए इस कोठी को ग्रेवयार्ड कोठी कहते हैं। शालिनी हंसते हुए कहती है, ये तो पुरानी कहानी हुई, नई कहानी नहीं पता क्या आपको? युग शॉक्ड होते हुए कहता है, कैसी नई कहानी? शालिनी धीरे धीरे कहती है, अंग्रेजों के जाने के बाद भी यहाँ पर लाशें आती गई और ग्रेवयार्ड कोठी की जमीन के नीचे दफन होती गई, कोई जिंदा दफन किया गया तो कोई मुर्दा, और आज भी लाशें आती रहती हैं और दफन होती रहती हैं, तभी तो कोठी में अभी भी जान है। आपने जमीन पर बांस नहीं उगाए हैं युग जी, बल्कि लाशों के ढेर पर उगाए हैं। अब आप खुद ही बताइए, जहाँ पर लाशों के ढेर लगे हों उसकी फसल कैसी होगी, अच्छी या बुरी? शालिनी की बात सुनकर युग पसीना पसीना हो गया था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे शालिनी की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि उनका क्या मतलब था। शालिनी युग से और कुछ कहती उससे पहले ही उस कमरे के अंदर डॉक्टर प्राची आ जाती है। डॉक्टर प्राची कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, शालिनी कैसी हो तुम? डॉक्टर प्राची को देखकर पता नहीं क्यों शालिनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ कहती है, तू क्यों आई है यहाँ पर? युग शालिनी को अपनी आंखें दिखाते हुए रोब जमाते हुए कहता है, शालिनी ये कैसे बातें कर रही हो तुम, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? डॉक्टर प्राची युग को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं युग, अक्सर मेमोरी लॉस पेशेंट के साथ ऐसा होता है, उन्हें बात बात पर गुस्सा आने लग जाता है और ज्यादातर डॉक्टर पर ही आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर उनकी जान के दुश्मन है। युग और शालिनी कुछ जवाब नहीं देते हैं। डॉक्टर प्राची कहती है, कल के लिए सॉरी युग, मैं कल नहीं आ पाई। युग कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर प्राची, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बिजी रहती है ना, आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आई वही बहुत है मेरे लिए। डॉक्टर प्राची हिचकिचाहट के साथ कहती है, युग मुझे शालिनी का चेकअप करना है, उसके लिए तुम्हें ये रूम खाली करना पड़ेगा। युग वहां से जाते हुए कहता है, जी मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहकर युग कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर प्राची अंदर से रूम लॉक कर देती है। युग हॉल में अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ जाता है। एक घंटे बाद युग हॉल में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था पर डॉक्टर प्राची अभी तक शालिनी का चेकअप करके कमरे से बाहर नहीं निकली थी। युग की टेंशन बढ़ती जा रही थी। युग अपने दोस्तों से कहता है, यार ये डॉक्टर प्राची अभी तक चेकअप करके बाहर क्यों नहीं आई, आखिर बात क्या है? अभिमन्यु जवाब देता है, यार वक्त लगता है युग चेकअप करने में, आ जाएगी, क्यों इतना परेशान हो रहा है? कायर अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार युग, डॉक्टर प्राची अंदर शालिनी का चेकअप कर रही है,
कोई मैगी नहीं बना रही जो दो मिनट में बन जाए। युग कहता है, यार मुझे भी पता है डॉक्टर प्राची अंदर शालिनी का चेकअप कर रही है, पर मेरे कहने का मतलब है काफी वक्त हो गया है, शालिनी ठीक तो है? ऐसा क्या चेकअप कर रही है डॉक्टर प्राची शालिनी का, वो ठीक तो है? कछुआ युग के मजे लेते हुए कहता है, सही कहा, शालिनी ठीक तो है, हंसती है, खेलती है, खाती है, साथ में हमें डराती भी है, पर बस हाँ उसकी याददाश्त वापस नहीं आती, पता नहीं क्यों। युग कछुए को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है। कछुआ बात को पलटते हुए कहता है, वो देख डॉक्टर प्राची आ गए। जब युग अपनी नजर सीढ़ियों की तरफ करता है तो देखता है कि डॉक्टर प्राची बड़ी ही फुर्ती के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। डॉक्टर प्राची के चेहरे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदे थी और वो डरी हुई भी लग रही थी। डॉक्टर प्राची जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और बिना युग और उसके दोस्तों की तरफ देखे ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर की तरफ जाने लग जाती है। युग डॉक्टर प्राची को आवाज लगाते हुए कहता है, डॉक्टर प्राची सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? डॉक्टर प्राची कुछ जवाब नहीं देती है, सीधे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकल जाती है। युग कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, ये डॉक्टर प्राची को क्या हो गया? युग भी डॉक्टर प्राची के पीछे पीछे ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है। युग दूर से ही आवाज लगाता है, डॉक्टर प्राची रुकिए तो, पर फिर भी डॉक्टर प्राची नहीं रुकती है। युग भागते हुए डॉक्टर प्राची के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों से उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, रुक जाइए डॉक्टर प्राची, ऐसे कहां जा रही हैं आप? हुआ क्या है आप बताएंगी? डॉक्टर प्राची बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। डॉक्टर प्राची कांपते हुए हकलाते हुए कहती है, शालिनी 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 नहीं है। युग हैरानी के साथ कहता है, शालिनी शालिनी नहीं है मतलब? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हैरानी के साथ कहता है, शालिनी शालिनी नहीं है मतलब? डॉक्टर प्राची खुद से बड़बड़ाती है, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। इतना कहकर डॉक्टर प्राची अपने सामने से युग के हाथ को हटाकर आगे जाने लग जाती है। युग फिर डॉक्टर प्राची का रास्ता रोकते हुए कहता है, रुकिए डॉक्टर प्राची, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या बता रही थी प्लीज बताइए। डॉक्टर प्राची बात को छुपाते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं कह रही थी युग, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। युग डॉक्टर प्राची पर दबाव बनाते हुए कहता है, प्लीज डॉक्टर प्राची ऐसा मत बोलिए, आप ही हैं जो मेरी अब मदद कर सकती हैं। प्लीज बताइए क्या हुआ है शालिनी को? शालिनी शालिनी नहीं है इसका मतलब? इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज बताइए डॉक्टर प्राची। युग की बातें सुनकर डॉक्टर प्राची का दिल पिघल जाता है। डॉक्टर प्राची पहले अपने आसपास देखती है, जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि उसे किसी से कोई खतरा नहीं है तो युग से कहती है, युग तुम्हें पता है शालिनी की बॉडी का टेम्परेचर आम इंसानों की तरह नहीं है। युग परेशान होते हुए कहता है, डॉक्टर प्राची मैं आपके कहने का मतलब कुछ समझा नहीं। डॉक्टर प्राची युग को समझाते हुए कहती है, मतलब ये युग कि मैंने शालिनी की बॉडी का टेम्परेचर चेक किया था, एक आम इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर शालिनी की बॉडी का टेम्परेचर माइनस में था, उसकी बॉडी पूरी तरह ठंडी थी, और तुम्हें पता है ठंडा टेम्परेचर किस बॉडी का होता है? युग अपने गले से नीचे घूंट उतारता है और फिर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, किस बॉडी का? डॉक्टर प्राची युग की आंखों में देखते हुए कहती है, उन बॉडियों का जिनमें जान नहीं होती है। डॉक्टर प्राची की बात सुनकर युग के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उसे अभी भी डॉक्टर प्राची की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। युग हकलाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर प्राची अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, यकीन करना मुश्किल है युग, पर जो मैं बता रही हूँ वही सच है। अमोदिता से मेरी बात हुई थी और उसने बताया है कि उसने तुम्हें बता दिया है कि शालिनी के साथ क्या हुआ था। तुम समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? युग मायूसी के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया डॉक्टर प्राची। डॉक्टर प्राची अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहते हैं, देखा जाए तो रेप के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, पर अचानक से शालिनी की याददाश्त जाना ये भी शॉकिंग है। याददाश्त आमतौर पर तब जाती है जब सिर में गहरी चोट लगती है, पर शालिनी के सिर पर एक खरोंच तक नहीं थी। हाँ उसके हाथ पैरों में जरूर खरोंची थी, पर उनका याददाश्त खो जाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। युग असमंजस में पड़ते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं कि शालिनी की याददाश्त नहीं गई है, वो नाटक कर रही है? शालिनी युग की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं युग मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि शालिनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। युग झट से पूछता है, फिर क्या मतलब था आपका डॉक्टर प्राची? डॉक्टर प्राची युग को समझाते हुए कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शालिनी के साथ कुछ तो बहुत अजीब है, और वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि शालिनी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन शालिनी को देखकर लगता है सब ठीक है, और वक्त के साथ वो मुश्किल और बढ़ सकती है। इतना कहकर डॉक्टर प्राची एकदम चुप हो जाती है। युग भी चुप ही था, उसकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे।
युग मायूसी के साथ डॉक्टर प्राची के सामने से हट जाता है ताकि डॉक्टर प्राची वहां से जा सके। डॉक्टर प्राची ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ देखने लग जाती है जिसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे जैसे कोई काला साया हो। डॉक्टर प्राची ग्रेवयार्ड कोठी को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, हो सकता है ये सब ग्रेवयार्ड कोठी के कारण ही हो रहा हो, तुमको तो पता ही है ना ग्रेवयार्ड की कोठी में कौन रहती थी। युग एक लंबी आह भर कर कहता है, यक्षिणी। युग जैसे ही यक्षिणी का नाम लेता है डॉक्टर प्राची बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं डॉक्टर प्राची का कहना ठीक तो नहीं, शालिनी की तबीयत ग्रेवयार्ड कोठी में रहने की वजह से तो नहीं बिगड़ रही। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर वर्चस्विनी बैठी हुई थी और काफी परेशान लग रही थी। वर्चस्विनी अभी भी तारा के सपने के बारे में सोच रही थी, चार्ली और जाटो वहां पर नहीं थे। वर्चस्विनी खुद से बात करते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तारा ने रात में ही बोला था कि भूपेंद्र बक्सी मरने वाला है और आज सुबह होते ही उसकी मौत हो गई। हाउ इट इज पॉसिबल, क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और ही बात है। वर्चस्विनी को तारा की फिक्र होने लग जाती है। वो उसी वक्त अपने मोबाइल से घर के लैंडलाइन नंबर पर तारा को फोन लगाती है। मोबाइल के अंदर से कैटलिन की आवाज सुनाई देती है, हेलो कौन। वर्चस्विनी कहती है, कैटलिन मैं बोल रही हूँ, वर्चस्विनी मुझे तारा से बात करनी थी, उसे जरा फोन देना। कैटलिन का जवाब आता है, मैडम जी तारा बेटा तो अभी अभी सोई है। वर्चस्विनी मायूस होते हुए कहती है, तारा सो रही है अभी तक। कैटलिन कहती है, हाँ मैडम जी मैं तो उठा ही रही थी पर वो बहुत गहरी नींद में थी इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं, सोचा सोने देती हूँ उसे थोड़ी देर और। वर्चस्विनी कहती है, अच्छा किया तुमने, सोने दो से, हो सकता है नींद पूरी हो जाए तो उसे अच्छा लगे, कल रात तो हर एक घंटे में उसकी नींद खुलते जा रही थी, बेचारी की इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाई होगी। वर्चस्विनी कैटलिन से फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उस कमरे में चार्ली आ जाता है। वर्चस्विनी चार्ली को देखते हुए फोन में कहती है, अच्छा कैटलिन मैं रखती हूँ, जब तारा उठे तो मेरी उससे बात करवाना। कैटलिन पूछती है, कुछ जरूरी काम है क्या मैडम जी आपको तारा बिटिया से। वर्चस्विनी झूठी हंसी के साथ कहती है, नहीं कैटलिन बस तारा की याद आ रही थी इसलिए फोन कर दिया। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन रख देती है और चार्ली से रूबरू होते हुए कहती है, बोलो चार्ली कुछ पता चला भूपेंद्र बक्सी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। चार्ली रुंधे स्वर में कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, नहीं मैडम जी कुछ पता नहीं चला, हर बार की तरह कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, पर हाँ इसका मारने का पैटर्न सेम था, जिस तरह बनवारी को मारा गया था ठीक उसी तरह से इसे भी मारा गया है, इसके भी गले पर किसी जंगली जानवर के काटने का निशान है, मुझे तो लगता है इसे भी नर कुत्ते ने मारा है। वर्चस्विनी चार्ली को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी पुलिस स्टेशन के अंदर एक भिखारी चलाता है। भिखारी की उम्र करीब 60 साल होगी, उसने फटी हुई मैली बनियान और पजामा पहना हुआ था, उसकी लंबी लंबी गंदी दाढ़ी और हाथों में एक कटोरा था जिसके अंदर कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए थे। चार्ली भिखारी को रोकते हुए कहता है, अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं, यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, चलो बाहर निकलो। वो भिखारी चार्ली की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और सीधे अंदर चलाता है। चार्ली कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, बहरे हो क्या, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। चार्ली उस भिखारी को पुलिस स्टेशन के अंदर से निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी वहां पर जाटव आ जाता है। जाटव चार्ली को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए चार्ली जी इसे मैं लेकर आया हूँ। चार्ली बिचकते हुए कहता है, तुम लेकर आए हो जाटव पर क्यों। जाटव जवाब देता है, ये मुझे मंदिर के पास मिला है। जाटव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चार्ली उसे टोकते हुए कहता है, अब भिखारी है तो जाहिर सी बात है कि मंदिर के पास ही मिला होगा, किसी मॉल से तो लेकर आए नहीं होंगे, भिखारी दो ही जगह तो रहते हैं, एक मंदिर दूसरा ट्रैफिक सिग्नल पर। जाटव चार्ली को समझाते हुए कहता है, आप समझे नहीं चार्ली जी, ये मुझे महाकाल मंदिर के पास मिला है। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, ये वही मंदिर है ना जिसके पास से आज सुबह भूपेंद्र बक्सी की लाश बरामद हुई है। जाटव चार्ली की बात में हामी भरते हुए कहता है, आप बिल्कुल सही समझे चार्ली जी, ये उसी मंदिर का भिखारी है। जब मैं मंदिर के आसपास भूपेंद्र बक्सी के खून की तहकीकात कर रहा था तो मंदिर के पास ही मुझे ये दिखाई दिया, ये बहुत घबराया हुआ था, मैं तो इसकी सूरत देखकर ही समझ गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जब मैंने इसे डराया धमकाया तब जाकर इसने अपना मुंह खोला। वर्चस्विनी बीच में बोल पड़ती है, क्या बताया इसने। जाटव जवाब देता है, मैडम जी इसने अपनी आंखों के सामने भूपेंद्र बक्सी का खून होते हुए देखा है। वर्चस्विनी और चार्ली दोनों एक साथ शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या। जाटव अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ मैडम जी आप इससे खुद ही पूछ लीजिए, जब आप सच सुनेंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाटव भिखारी से कहता है, तू चुप क्यों है, बता जो तूने मुझे वहां पर बताया था। भिखारी डरते हुए कहता है, सब बताने के बाद आप हमें छोड़ देंगे ना साहब। जाटव गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ हाँ छोड़ देंगे, पर पहले मैडम जी को बता कि कल रात तूने क्या देखा था। भिखारी घबराते हुए वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए कहता है, नमस्कार मैडम, हमारा नाम जग्गू है और हम महाकाल मंदिर के भिखारी हैं, दिन भर वहीं पर सीढ़ियों के पास पड़े रहते हैं,
वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। कल रात हर दिन की तरह हम सोने जा रहे थे। हम अपना फटा हुआ कंबल ओढ़कर लेटे ही थे कि तभी हमने देखा एक आदमी जो कि बहुत डरा हुआ था मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। भिखारी उस पल में चले जाता है जब उसने भूपेंद्र बक्सी को मंदिर की तरफ आते हुए देखा था। भिखारी मंदिर की सबसे नीची सीढ़ियों पर चादर ओढ़कर सो रहा था। मंदिर की सीढ़ियों में अंधेरा था जिस कारण कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि भिखारी की आंखें खुली हुई हैं या फिर बंद है। भिखारी ने चादर ओढ़ा ही था कि तभी वो देखता है कि भूपेंद्र बक्सी मंदिर की तरफ आ रहा था। भूपेंद्र बक्सी मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, भोलेनाथ की कृपा के कारण ही मैं छूट पाया हूँ, वरना तो पुलिस वाले तो मुझे छोड़ते ही नहीं। सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करूंगा, उसके बाद अपने घर जाऊंगा। सब उन्हीं की कृपा है। आज के बाद कभी उस ताज की तरफ पलट कर नहीं देखूंगा। यक्षिणी की चीजों की तरफ देखना मतलब अपनी मौत की तरफ देखना। यही सब बड़बड़ाते हुए भूपेंद्र बक्सी मंदिर के पास जा रहा था। जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है कि रात हो जाने के कारण मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। भूपेंद्र बक्सी सीढ़ियों के पास नतमस्तक होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो महादेव, मुझसे गलती हो गई जो मैंने यक्षिणी के ताज को पाना चाहा। आज के बाद मैं कभी उस ताज को पाने के सपने नहीं देखूंगा। सुबह होते ही सब कुछ छोड़कर दूर चले जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे माफ कर दो महादेव, अपने भक्त को माफ कर दो। भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर लेटे लेटे ही भूपेंद्र बक्सी की सारी बातें सुन रहा था। भूपेंद्र बक्सी अपने कर्मों की माफी मांगने के बाद 3 बार माथा टेकता है और फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। भूपेंद्र बक्सी उम्मीदों के साथ मंदिर की तरफ देखते हुए कहता है, महादेव आप कृपा बनाए रखना, अब बस आपका ही सहारा है। जय भोलेनाथ। इतना बोलकर भूपेंद्र बक्सी वापस जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर जा रहा था। भूपेंद्र बक्सी अपना हाथ दिखाकर उस कुत्ते को वहां से भगाने की कोशिश करता है, पर वो काला कुत्ता वहीं पर खड़ा रहता है। वो काला कुत्ता भूपेंद्र बक्सी को देखकर गुर्राने लग जाता है, अपने नुकीले पैने दांत बाहर निकाल लेता है। भूपेंद्र बक्सी सड़क पर से पत्थर उठाते हुए कहता है, पहले वो पुलिस वाले मुझे डराते हैं और अब तो अपने दांत दिखाकर मुझे डरा रहा है। तुम सबने क्या मुझे डरपोक समझ रखा है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे डर क्या होता है। इतना कहकर भूपेंद्र बक्सी ने पत्थर उस कुत्ते को मारने के लिए उठाया था और वो पत्थर कुत्ते को मारने वाला था कि तभी उस कुत्ते का रूप अपने आप बदलने लग जाता है। वो कुत्ता अगले ही पल एक अघोरी का रूप ले लेता है। अघोरी के पूरे बदन पर राख मली हुई थी और वो पूरी तरह नग्न अवस्था में था। माथे पर 3 लकीरें कुमकुम से खींची हुई थी और दोनों हाथों की कलाइयों में रुद्राक्ष था। कुत्ते को अघोरी का रूप लेते हुए देख भूपेंद्र बक्सी और भिखारी की जान हलक में आ गई थी, पर भिखारी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है क्योंकि वो जानता था यदि वो जरा सा भी हिला तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए भलाई इसी में है कि वो कंबल के अंदर के छेद से यूं ही सब कुछ चुपचाप देखता रहे। भूपेंद्र बक्सी हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम? अघोरी भारी आवाज में कहता है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। जैसे ही भूपेंद्र बक्सी ये आवाज सुनता है उसकी पैंट गीली हो जाती है, पेशाब की धार से सड़क गीली हो जाती है। अघोरी हंसते हुए कहता है, बड़ा खौफ है यक्षिणी का, लगता है अघोरी के डर को सब भूल गए हैं, सबको याद दिलाना पड़ेगा। भूपेंद्र बक्सी कांपते हुए कहता है, क्या क्या कहा? अघोरी, इसका मतलब वो कहानी सच है? अघोरी कुछ नहीं कहता है, बस भूपेंद्र बक्सी को उससे डरता हुआ देखकर खुश होते रहता है। भूपेंद्र बक्सी कहता है, पर तुम्हें तो यक्षिणी ने मार दिया था। अघोरी हंसते हुए कहता है, यक्षिणी और मुझे मारेगी? अघोरी को कोई नहीं मार सकता, अघोरी का अंत असंभव है, अंत तो अब उस यक्षिणी का होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अघोरी हंसते हुए कहता है, यक्षिणी और मुझे मारेगी। अघोरी को कोई नहीं मार सकता, अघोरी का अंत असंभव है, अंत तो अब उस यक्षिणी का होगा। ये जानकर कि अघोरी भी यक्षिणी की जान के पीछे पड़ा हुआ है, भूपेंद्र बक्सी के जान में जान आती है और वो बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, हाँ मार देना तुम उस यक्षिणी को, उस यक्षिणी ने बहुत मर्दों को मारा है पर
मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। भूपेंद्र बक्सी की बात सुनकर अघोरी जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है क्या कहा, जाने दो। हंसते ही हंसते अघोरी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ भूपेंद्र बक्सी से पूछता है, हीरा कहाँ है? भूपेंद्र बक्सी हैरानी के साथ कहता है, कैसा हीरा, तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? अघोरी भूपेंद्र बक्सी की आंखों में झांकते हुए कहता है, ताज के अंदर का हीरा। जैसे ही अघोरी ताज का नाम लेता है, अघोरी की लेफ्ट आंख के अंदर भूपेंद्र बक्सी को ताज की आकृति दिखने लग जाती है। ताज सोने की तरह चमक रहा था, ऐसा लग रहा था मानो ताज अघोरी की लेफ्ट आंख के अंदर ही रखा हुआ हो। अघोरी भारी आवाज में कहता है, अब याद आया कौन सा हीरा। भूपेंद्र बक्सी नामे अपना सिर हिलाते हुए डरते हुए कहता है, मुझे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ताज के अंदर हीरा लगा हुआ है। मुझे तो बस यक्षिणी का ताज चाहिए था ताकि वो मुझे न मारे। अघोरी अपने दांत किटकिटाते हुए कहता है, क्या कहा, तुझे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता? भूपेंद्र बक्सी कहता है, हाँ मुझे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता, मेरा यकीन करो। भूपेंद्र बक्सी की बात सुनकर अघोरी को गुस्सा आने लग जाता है। गुस्से से वो अपने दांत किटकिटाने लग जाता है। अघोरी अपने लंबे लंबे खूंखार दांत बाहर निकालता है और अगले ही पल उन दांतों से भूपेंद्र बक्सी के गले पर काट लेता है। भूपेंद्र बक्सी दर्द से कराहता है, आह नहीं। भूपेंद्र बक्सी के हाथ पैर फड़फड़ाने लग जाते हैं, उसका खून सड़क पर फैल गया था। कुछ ही पल में भूपेंद्र बक्सी अपना दम तोड़ देता है। भूपेंद्र बक्सी का शव सड़क पर गिर जाता है। अघोरी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हीरा हीरा कहाँ है वो हीरा? अघोरी की आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है। भिखारी अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। भिखारी की सारी बातें सुनकर वर्चस्विनी और चार्ली की बोलती बंद हो गई थी, दोनों को सांप सूंघ गया था। वापस से वो भयानक मंजर याद करके भिखारी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका गला सूखने लग गया था। वो झट से पानी का जार टेबल पर से उठाता है और गटागट एक ही बार में पी जाता है। भिखारी को पानी पीता हुआ देखकर चार्ली का भी गला अपने आप सूखने लग गया था, पर वो अपनी प्यास को मारता है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, इसका मतलब भूपेंद्र बक्सी को भी एक नर कुत्ते ने मारा है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या चार्ली? ये नर कुत्ते वुत्ते कुछ नहीं होते, समझे तुम? ये भिखारी सुबह सुबह चढ़ा के आया है और कुछ नहीं। वर्चस्विनी जाटव की तरफ देखते हुए कहती है, जाटव तुम कैसे इस भिखारी की बातों में आ गए? जाटव कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली बोल पड़ता है, पर मैडम जी आप भूल गई, भूपेंद्र बक्सी ने भी यही कहा था कि उस नर कुत्ते ने बनवारी के गले पर काटा है, और ये भिखारी भी यही कह रहा है कि उस नर कुत्ते ने भूपेंद्र बक्सी के गले पर काटा था। हमने भी तो वो काटने का निशान देखा है ना, आप हमारी बात मानते क्यों नहीं है? वर्चस्विनी कहती है, चलो चार्ली मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, पर शायद तुम भूल रहे हो, भूपेंद्र बक्सी ने जो नर कुत्ते की बात करी थी वो विशाल था, और ये भिखारी जिस नर कुत्ते की बात कर रहा है वो एक अघोरी है। अब तुम बताओ भला दो दो नर कुत्ते कैसे हो सकते हैं? इन दोनों में से कोई एक सच बोल रहा है या फिर दोनों झूठ, समझे? वर्चस्विनी का सवाल सुनकर चार्ली चुप हो जाता है। तभी उसका दिमाग दौड़ता है और वो अपने मोबाइल में विशाल की फोटो भिखारी को दिखाते हुए कहता है, क्या वो अघोरी यही लड़का था? वो भिखारी फोटो देखते हुए कहता है, नहीं साहब वो अघोरी ये लड़का कैसे हो सकता है, वो अघोरी तो बूढ़ा था और ये तो जवान दिखता है। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, देखा चार्ली मैंने कहा ना ये झूठ बोल रहा है, इसने बस पी रखी है और कुछ नहीं। चार्ली भिखारी को वापस से फोटो दिखाते हुए कहता है, अरे जरा अच्छे से देख। जब भिखारी गौर से विशाल की फोटो को देखता है तो घबराते हुए कहता है, साहब अगर इस लड़के का जूड़ा बांध दे तो ये उस अघोरी की तरह ही देखेगा। हाँ साहब ये वही अघोरी है, चार्ली खुश होते हुए कहता है, देखा मैडम जी इसका मतलब ये विशाल नर कुत्ता और ये अघोरी ये तीनों कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान है। जाटव कांपते हुए कहता है, इसका मतलब वो अघोरी लौट आया? चार्ली तुरंत पूछता है, कौन अघोरी जाटव? जाटव जवाब देता है, आपको नहीं पता क्या चार्ली सर, कई साल पहले ये अपना रोंगकमुचा गांव है ना, वहाँ की हवेली में एक अघोरी रहता था जो लोगों से काला जादू के जरिए अपना काम करवाता था और उसके बदले में उन्हें हीरे जवाहरात देता था। चार्ली जाटव को बीच में टोकते हुए कहता है, हीरे जवाहरात देने की क्या जरूरत थी जब वो खुद काला जादू कर सकता था, तो अपने काम तो यूं ही करवा सकता था। जाटव चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो इसलिए चार्ली जी क्योंकि वो अघोरी किसी के सामने नहीं आना चाहता था, अपने काम चोरी छुपे करता था। उसका नाम तो सबने सुना था पर देखा किसी ने नहीं, उसके खौफ से कोई उस हवेली के अंदर तक नहीं जाता था। कहते थे उस अघोरी के पास अपार धन था, इतना कि जिसका अंत कभी ना हो। जाटव की बात सुनकर चार्ली के मन में लालच आने लग जाता है। जाटव आगे कहता है, उस वक्त यक्षिणी भी किश्नोई नदी के पास ही भटका करती थी और हर अमावस्या और पूर्णिमा को किसी मर्द को अपनी हवस का शिकार बनाती थी, और एक बार अघोरी अपने जिस आदमी से काले जादू की बदौलत अपना काम करवा रहा था तो यक्षिणी ने उस आदमी को अपनी हवस का शिकार बना लिया।
चार्ली कहता है, फिर क्या हुआ? जाटव जवाब देता है, फिर क्या था? अघोरी ने बदला लेने की सोची, पर हर कोई जानता था जितनी शक्तियाँ यक्षिणी के पास थी उतनी संसार की किसी चीज में नहीं थी। कहते हैं वो अघोरी साधनाएं करने के लिए ये जो किश्नोई नदी के पास काला झाड़ी जंगल है ना, वहाँ पर चले गया। चार्ली कहता है, वही काला झाड़ी जंगल ना जिसके पास ग्रेवयार्ड कोठी भी है? जाटव हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी, वही काला झाड़ी जंगल। एक महीने तक कुछ खबर नहीं आई, ना ही गांव के किसी व्यक्ति पर कोई काला जादू हुआ। सब यही सोच रहे थे कि अघोरी यक्षिणी को पकड़ने गया है, पर अमावस्या की रात जब आई तो गांव के किसी भी मर्द का शिकार नहीं हुआ। सबका यही कहना था कि यक्षिणी ने इस बार अघोरी को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार दिया। उसके बाद से ही उस अघोरी का किसी ने नाम तक नहीं सुना, पर हर बार की तरह हर पूर्णिमा और अमावस्या शिकार होते रहे। जाटव की बात खत्म होते ही कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। वर्चस्विनी उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो अब काम कर ले। जाटव कहता है, मैडम जी ये बकवास नहीं है, सच है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, क्या कहा, सच है? तो तुमने उस अघोरी को देखा है? जाटव कुछ जवाब नहीं देता है। वर्चस्विनी चार्ली की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या चार्ली, फिर तुमने उस यक्षिणी को देखा है या उस नर कुत्ते को? इन सब में से किसी भी एक को देखा है क्या? चार्ली और जाटव खामोशी रहते हैं। वर्चस्विनी समझ जाती है कि उनका जवाब क्या था। वर्चस्विनी कहती है, चार्ली हमें उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहिए जो हमने देखी हो। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि हजार मुंह लाखों बातें, समझे? चार्ली बड़बड़ाता है, पर मैडम जी देखा तो हमने भगवान को भी नहीं है, पर फिर भी वो होते हैं, इस पर तो यकीन करते हैं ना हम, तो इन सब चीजों पर क्यों नहीं? वर्चस्विनी कहती है, मैं भगवान पर भी विश्वास नहीं करती हूँ, समझे तुम? अब मुंह चलाना बंद करो और उस कुत्ते और विशाल को कैसे ढूंढना है सोचो जरा। चार्ली चुप रहना ही बेहतर समझता है क्योंकि वो जानता था यदि उसने अब अपना मुंह खोला तो उसकी खैर नहीं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और उसके दोस्त हॉल में बैठे हुए थे। शालिनी उस वक्त वहां पर नहीं थी, वो युग के कमरे के अंदर थी। युग ने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया था कि उसके और डॉक्टर प्राची के बीच क्या बातें हुई थी। उसने सोच लिया था कि अकेले में वो अभिमन्यु को सब कुछ बता देगा कि डॉक्टर प्राची और उसके बीच क्या बातें हुई थी। कायर और कछुआ को इस बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, वो दोनों पहले से ही डरे हुए थे, ये बात सुनकर और डर जाएंगे। युग और उसके दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कछुआ युग से पूछता है, यार युग सुन ना। युग नॉर्मल वे में बोलता है, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। कछुआ कहता है, यार मेरे जाने के बाद तुझे मेरा सामान मिला क्या? युग बिचकते हुए कहता है, तेरा कौन सा सामान? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कायर कछुए की टांग खींचते हुए कहता है, तेरे पास कुछ है भी जो युग से सामान के बारे में पूछ रहा है? कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, यार मजाक नहीं कायर, मैं सीरियस हूँ, मेरा बहुत जरूरी सामान यहाँ पर छूट गया था। कायर हैरानी के साथ पूछता है, तेरा ऐसा क्या जरूरी सामान छूट गया था यहाँ पर? कछुआ जवाब देता है, नाखून, मेरी दादी का नाखून। युग कायर और अभिमन्यु तीनों अपना मुंह फाड़ते हुए कहते हैं, क्या कहा, दादी का नाखून? कछुआ कहता है, हाँ यार दादी का नाखून। अभिमन्यु तुझे याद है उस रात जब हमने पी रखी थी तो तेरी आंखों के सामने तो दादी के नाखून को मैंने अपनी शर्ट की जेब में डाला था, पर सुबह होते ही वो नाखून कहाँ चले गया कुछ पता ही नहीं चला। मैंने घर पर भी ढूंढा था, मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गया। मुझे तो लग रहा है यही ग्रेवयार्ड कोठी में गिर गया होगा उस वक्त। अभिमन्यु कहता है, हाँ याद है मुझे, पर एक बात बता, तुझे यूँ अचानक से तेरी दादी के नाखून की याद कैसे आ गई? तुझे उससे क्या करना है? अभिमन्यु का सवाल सुनकर अचानक से कछुआ थोड़ा घबराने लग जाता है और अपनी घबराहट छुपाते हुए कहता है, करना कुछ नहीं है यार, पर क्या है ना, वो दादी का नाखून ही मेरे पास उनकी आखिरी निशानी थी, अब वो निशानी भी मेरे पास नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? कायर भारी आवाज में कहता है, तुझे तेरी दादी का नाखून कभी नहीं मिलने वाला। कछुआ कायर की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ पूछता है, क्यों? युग और अभिमन्यु भी कायर को हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। पहले तो कायर गंभीरता के साथ ही कछुए को घूरते रहता है, पर थोड़ी ही देर बाद हंसते हुए कहता है, इस ग्रेवयार्ड कोठी में कल की खोई हुई चीज नहीं मिलती है, तेरा 9 महीने पहले दादी का खोया हुआ नाखून क्या खाक मिलेगा, उसे तो तू भूल ही जा। कछुआ उदासी के साथ बोलता है, ऐसा मत बोल यार, दादी का नाखून मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए। अभिमन्यु कछुए पर शक करते हुए पूछता है, ऐसा क्या करने वाला है तू नाखून का? कछुआ नजरें चुराते हुए कहता है, यार कहा तो दादी की आखिरी निशानी है, अब उस नाखून को मैं इस तरह से नहीं गंवा सकता। अभिमन्यु टॉपिक को चेंज करने के लिए युग से कहता है, यार युग तुझे नहीं लगता तू बहुत गलत कर रहा है? युग अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अभिमन्यु कहता है, यही यार कि तुझे पता है शालिनी की हालत कैसी है, उसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं, तो तुझे नहीं लगता उसे इस वक्त हमारे साथ बैठे रहना चाहिए? हो सकता है हमारे साथ बैठकर उसे कुछ ठीक लगे, उसकी हालत में कुछ सुधार हो। युग मुंह बनाते हुए कहता है, यार तो मैंने कब शालिनी को हमारे साथ बैठने के लिए मना किया, मैं तो बोल ही रहा था कि नीचे चलो, पर उसने ही आने से मना कर दिया, कह रही थी उसे आराम करना है। अभिमन्यु तुरंत कहता है,
यार तो एक दो घंटे तो हो गए हैं ना उसे आराम करते करते, और कितना आराम करेगी? तुझे नहीं पता पर मैंने सुना है जो मेमोरी लॉस वाले पेशेंट्स होते हैं ना, जितना अकेले होते हैं उतना उनका स्ट्रेस बढ़ते जाता है। वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो कौन है, पहले क्या करते थे, इन्हीं सब चीजों में उनका दिमाग उलझा रहता है और कभी कभी तो इसी वजह से कोमा में भी चले जाते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर योग घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, मैं अभी जाकर शालिनी को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर युग वहाँ से चला जाता है। युग के जाते ही कायर अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, एक बात बता, ये सब जो तूने बोला वो सच है या तुझे शालिनी से बातें करनी थी इसलिए ऐसा बोला? अभिमन्यु कहता है, मुझे भला शालिनी से बातें करके क्या करना है, ये सब तो मैंने युग के लिए बोला है। कायर बिचकते हुए कहता है, युग के लिए मतलब? अभिमन्यु कहता है, मतलब ये यार कि तुझे पता है ना शालिनी युग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, हो सकता है कि अगर योग उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए तो यामिनी को भूल जाए। तुझे नहीं पता इन 9 महीनों में मैंने जब भी योग से बात करी थी हर बात में वो यामिनी का ही नाम लेता था, जैसे उसकी रूह के अंदर उतर गई हो। मैंने आज तक किसी को किसी लड़की के लिए इतना पागल नहीं देखा था जितना युग को यामिनी के लिए देखा था। कायर अपने आसपास देखते हुए पूछता है, अभिमन्यु एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि यामिनी सच में यक्षिणी थी क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कायर अपने आसपास देखते हुए पूछता है, अभिमन्यु एक बात बता, तुझे क्या लगता है यामिनी सच में यक्षिणी थी क्या? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। कायर का सवाल सुनकर वो एकदम शांत हो जाता है। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार अभिमन्यु बता तो जरा यार। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, तुम लोग पागल हो रहे हो क्या? अगर यामिनी यक्षिणी होती तो यक्षिणी ने युग को मार नहीं दिया होता अब तक। कछुआ अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, वही तो यार, मुझे तो ना इस युग पर ही डाउट है कि यामिनी नाम की कोई लड़की थी भी या नहीं, कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं? कायर बीच में बोल पड़ता है, यार मुझे भी यही डाउट है क्योंकि मैंने भी यामिनी को कभी नहीं देखा। मैंने क्या हम में से युग को छोड़कर यामिनी को किसी ने नहीं देखा? यार अभिमन्यु तू इस बारे में युग से बात क्यों नहीं करता? अभिमन्यु अपने दोनों कंधे ऊपर उचकाते हुए कहता है, यार मैं क्या बात करूं, तुम्हें लगता है मेरे समझाने से वो समझ जाएगा? मैंने तो कितनी बार बोला कि यामिनी यक्षिणी कैसे हो सकती है, तो वो कहता है यामिनी ही यक्षिणी है, मैंने उसके साथ वो किया है। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है। कछुआ अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, युग वो करेगा वो भी यक्षिणी के साथ, उसने कभी शालिनी के साथ भी किया था क्या कभी जो यक्षिणी के साथ करेगा? इतना कहकर कछुआ हंसने लग जाता है। कछुए के साथ ही कायर भी हंसने लग जाता है, उन दोनों के साथ ही अभिमन्यु भी हंसने लग जाता है। पर अभिमन्यु की हंसी बनावटी थी जो देखते से ही समझ में आ रही थी। ऐसा लग रहा था अभिमन्यु के मन में कुछ तो चल रहा था जो वो कछुए और कायर के साथ शेयर नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ जब योग अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि शालिनी कमरे के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। शालिनी बहुत जल्दी में थी और कमरे का हर एक सामान उसकी जगह से हटा हटा कर कुछ ढूंढ रही थी। कुछ ढूंढने के चक्कर में ही उसने बेड पर जमा गद्दा उलट पलट कर दिया था और उसे वापस से जमाना भूल गई थी। शालिनी को कुछ ढूंढते हुए देखकर युग दरवाजे पर ही खड़ा होकर दंग रह गया था। युग हक्का बक्का रहकर शालिनी से पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो शालिनी? अचानक से युग की आवाज सुनकर शालिनी घबरा जाती है। शालिनी पीछे पलटकर हकलाते हुए युग से कहती है, कुछ नहीं युग जी। युग अपने कदम शालिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम कुछ तो कर रही थी शालिनी, कमरे का सामान अपने आप नहीं फैला हुआ है, बताओ तुम क्या ढूंढ रही थी? शालिनी फिर झूठ बोलते हुए कहती है, मैंने कहा ना युग जी मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी। युग अपनी बात पर अड़ा रहता है और शालिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, नहीं शालिनी तुम कुछ तो ढूंढ रही थी, बताओ आखिर वो क्या चीज है? शालिनी जल्दी से कुछ सोचती है और बहाना बनाते हुए कहती है, दवाई युग जी, मेरा दवाई खाने का वक्त हो गया है ना, तो मैं वही ढूंढ रही थी। युग टेबल पर से मेडिसिन की पॉलीथीन उठाते हुए कहता है, दवाई की पॉलीथीन तो यही रखी हुई है, फिर बेड की मैट्रेस हटाकर तुम क्या ढूंढ रही थी? शालिनी अनजान बनते हुए कहती है, अच्छा ये पॉलीथीन यहाँ पर रखी हुई है, मुझे तो दिखी ही नहीं थी। युग चुप ही रहता है क्योंकि वो समझ गया था कि शालिनी उससे झूठ बोल रही थी। तभी उसके दिमाग में डॉक्टर प्राची की बात आती है और उसे याद आता है कि डॉक्टर प्राची ने उससे बोला था कि शालिनी के अंदर कुछ तो अजीब है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी की तरह नहीं है। युग के अंदर शालिनी को छूने की इच्छा जागने लग जाती है।
वो जानना चाहता था कि डॉक्टर प्राची की कही हुई बात सच थी या नहीं, या उनसे टेम्परेचर चेक करने में कोई गलती हो गई थी। युग शालिनी का हाथ छूने के लिए बहाना बनाते हुए कहता है, शालिनी ये लो तुम्हारी दवाई की पॉलीथीन। शालिनी युग के हाथ में से दवाई की पॉलीथीन लेने लग जाती है, तभी दूसरे हाथ से युग शालिनी का हाथ पकड़ लेता है, और जब वो शालिनी का हाथ पकड़ता है तो उसकी रूह कांप जाती है। शालिनी की बॉडी सच में एक नॉर्मल बॉडी से काफी ज्यादा ठंडी थी, उतनी ठंडी जितनी मरी हुई बॉडी रहती है। युग ने शालिनी का हाथ पकड़ा ही हुआ था कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसने शालिनी का नहीं बल्कि यामिनी का हाथ पकड़ा हुआ है। उसे यामिनी की याद आने लग जाती है, उसे शालिनी यामिनी की तरह दिखने लग गई थी। युग शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम यामिनी हो ना? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, चुपचाप खड़ी रहती है। युग की आंखों में नमी देखकर शालिनी की आंखों में भी नमी अपने आप आने लग गई थी। युग फिर शालिनी से पूछता है, बोलो तुम यामिनी ही हो ना? शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ युग जी मैं यामिनी ही हूँ। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने शालिनी नहीं बल्कि यामिनी खड़ी हुई थी। युग की बोलती बंद हो गई थी, युग की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो आंसू युग की आंखों में से झलक पाते उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, आप जिस नाम से मुझे पुकारना चाहे पुकार सकते हैं युग जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा असली नाम शालिनी है या फिर कुछ और। अगर आप मुझे यामिनी बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, वो सारी उम्मीदें जो कुछ देर पहले युग के मन में जागी थी देखते ही देखते टूट जाती है। उसके आंसू छलकने से पहले ही वापस छुप जाते हैं। शालिनी की बातें सुनकर युग मायूस हो गया था, पर अभी भी उसने शालिनी से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। युग और शालिनी एक दूसरे को एक तरफ देख ही रहे थे कि तभी वहां पर कछुआ आ जाता है और शर्माते हुए कहता है, ओह लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया, तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। युग शालिनी से अपनी नजरें हटाते हुए कछुए से कहता है, कछुए ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रहा है, हम दोनों तो बस। इतना बोलकर युग चुप हो जाता है। कछुआ शर्माते हुए कहता है, वो तो दिख ही रहा है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये बेड की हालत क्या बना कर रखी है तुमने। युग बहाना बनाते हुए कहता है, कुछ नहीं यार चूहा था तो बस उसी को पकड़ रहे थे, उसी को पकड़ने में ये सब हो गया। कछुआ कहता है, अच्छा ठीक है, वो नीचे सब इंतजार कर रहे थे तेरा और शालिनी का, इसलिए बुलाने आ गया था, काफी वक्त से ऊपर ही है ना तू। युग कछुए के पास जाते हुए कहता है, हाँ चल। शालिनी भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लग जाती है। इस तरफ रोंकमुचा गांव में हवेली के बाहर जिप्सी खड़ी हुई थी, और उसी जिप्सी के बगल में एक काला कुत्ता बैठा हुआ था, वही काला कुत्ता जिसने इतना आतंक मचाया हुआ था। वो काला कुत्ता कई घंटों से हवेली के बाहर बैठा हुआ था, पर किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था। वो काला कुत्ता किसी फिराक में लग रहा था। वो काला कुत्ता हवेली पर अपनी नजरें टिकाए हुए ही था कि तभी रजनी और सुदेश हवेली में से बाहर आ जाते हैं। रजनी और सुदेश दोनों ही किसी टेंशन में लग रहे थे। जैसे ही सुदेश रजनी बाहर आते हैं, उस काले कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब सुदेश और रजनी के बीच की बातें सुनने के लिए ही किया हो। सुदेश रजनी से कहता है, देख रजनी मैं जा रहा हूँ उन लोगों से मिलने, तुझे चलना है तो चल। रजनी कहती है, नहीं मैं नहीं आ रही, मैंने कहा ना मैं अपनी बेटी की शादी सिर्फ युग से कराऊंगी और किसी से नहीं। सुदेश गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ये सपने देखना छोड़ दे तू, समझी तुझे कुछ खबर है भी या नहीं? सुना है आजकल युग किसी लड़की के साथ रह रहा है ग्रेवयार्ड कोठी में, तुझे लगता है वो तेरी बेटी से शादी करेगा? रजनी कहती है, मुझे सब पता है, और रही बात युग की तो उसे मेरी अमोदिता से शादी करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। सुदेश कहता है, बस अब बहुत हुआ तुम माँ बेटी का नाटक, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा, मुझे अमोदिता की शादी कहाँ करानी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रजनी मन ही मन सोचती है, आजकल इस सुदेश का मुँह कुछ ज्यादा ही खुलने लग गया है, इसकी पुतली उस तहखाने में रखी हुई है और तहखाने में वो मायाधारी डेरा डाल के बैठी हुई है, अगर वो पुतली मेरे हाथ लग जाती तो इस सुदेश की सारी अकल एक ही बार में ठिकाने लगा देती, मैं उस वंदना के चक्कर में छोटा मोटा जादू टोना भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये सुदेश मेरी बात मान जाए। सुदेश जिप्सी के अंदर जाकर बैठ जाता है। रजनी भागते हुए सुदेश के पास जाती है और बड़े ही प्यार से बोलती है, ए जी इस तरह अकेले अमोदिता के लिए लड़का देखने जाना ठीक रहेगा क्या? आप बड़े भैया को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे? सुदेश गुस्से के साथ कहता है, अब जीजा जी से क्या उम्मीद करूं मैं, उन्हें तो बस अपनी जान और यक्षिणी की मौत की पड़ी है, वो दिन भर मायाधारी की आंखों का इंतजाम करने के लिए भटकते रहते हैं, पर अब मैं अपनी बेटी की जवानी को घर बैठे सड़ने नहीं दे सकता, मुझे उसकी जल्द से जल्द शादी करवानी है, उसी के लिए मैं एक रिश्ता देखने जा रहा हूँ, वहाँ पर जो भी होगा मैं तुझे खबर कर दूंगा। इतना कहकर सुदेश जिप्सी स्टार्ट करता है और वहां से चले जाता है। जिप्सी के पीछे पीछे ही वो काला कुत्ता भी भागने लग जाता है।
सुदेश कोरीपारा गांव में अमोदिता के रिश्ते के लिए एक घर में बात करने आया था। उसने जिप्सी घर के सामने खड़ी की थी और एक घंटे से वो घर के अंदर घुसकर अमोदिता के रिश्ते के लिए उनसे बातें कर रहा था। वो काला कुत्ता सुदेश का पीछा करते करते कोरीपारा गांव तक आ गया था और इस वक्त वो जिप्सी से कुछ दूरी पर ही बैठा हुआ था। काले कुत्ते को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। एक घंटे बाद सुदेश उस घर में से बाहर निकल आता है और खुशी उसके चेहरे पर देखते से ही साफ नजर आ रही थी। वो सारी टेंशन जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी अब गायब हो गई थी। सुदेश खुशी खुशी जिप्सी के अंदर बैठता है और रजनी को फोन करते हुए कहता है, हेलो रजनी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फोन के अंदर से रजनी की आवाज सुनाई देती है। कैसी खुशखबरी? सुदेश जवाब देता है, लड़के वालों को हमारी अमोदिता पसंद आ गई है। लड़के के घर में बस उसके माँ बाप ही हैं और उनका ये इकलौता बेटा है। उनका बेटा इस वक्त घर पर नहीं था इसलिए मैं उससे मिल नहीं पाया, पर ये लोग कल हमारी अमोदिता को देखने आने वाले हैं। तुम एक काम करो, अभी से सारी तैयारी करना शुरू कर दो। रजनी कुछ कहती है उससे पहले ही सुदेश फिर बोल पड़ता है, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना हो तो बता देना। कल कुछ कमी नहीं होनी चाहिए लड़के वालों की खातिरदारी करने में। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, जल्द ही हमारी अमोदिता की अब शादी होने वाली है। इतना कहकर रजनी का जवाब बिना सुने ही सुदेश खुशी खुशी में फोन कट कर देता है और मार्केट जाने के लिए निकल जाता है। सुदेश के जाते ही वो कुत्ता अपनी जगह पर से उठता है और अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ाने लग जाता है जिसके अंदर से सुदेश अभी अभी अमोदिता के रिश्ते की बात करके आया था। जैसे ही वो काला कुत्ता उस घर की दहलीज तक पहुंचता है, वो काला कुत्ता कुत्ते से अघोरी के रूप में बदल जाता है। जब वो अघोरी घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि वहां पर एक आदमी और औरत बैठे हुए थे जो कि बहुत खुश लग रहे थे, पर अघोरी को देखते ही उन दोनों के चेहरे की हंसी अपने आप गायब हो जाती है। वो आदमी कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम और इस तरह हमारे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? अघोरी हंसते हुए कहता है, मैं तो आपका बेटा हूँ पापा। आपने अपने बेटे को नहीं पहचाना? वो दोनों पति पत्नी हैरानी के साथ कहते हैं, हमारा बेटा और तुम? अघोरी अपने कदम उन पति पत्नी के पास बढ़ाते हुए कहता है, हाँ मम्मी पापा। अघोरी ने इतना ही कहा था कि तभी उस कमरे के अंदर एक 26 साल का लड़का आ जाता है और वो बौखलाहट के साथ कहता है, हेलो कौन हो तुम और मेरे मॉम डैड के साथ क्या कर रहे हो? जैसे ही उन पति पत्नी की नजर उस लड़के पर पड़ती है वो दौड़ते हुए उस लड़के के पास जाते हैं। वो औरत रोते हुए कहती है, देखो ना बेटा, पता नहीं कौन है ये, अपने आप को हमारा बेटा बता रहा है। हमारे बेटे तो तुम हो ना? वो लड़का अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है, माँ आप डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं अभी से ठीक करता हूँ। वो लड़का अघोरी को गुस्से से देखते हुए कहता है, हे यू, अभी के अभी बाहर निकलो मेरे घर से, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? अघोरी वहीं पर खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। वो लड़का अघोरी के पास जाते हुए कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। वो लड़का अघोरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लग जाता है, पर वो लड़का अघोरी को वहां से हिला तक नहीं पा रहा था। दिखने में तो वो लड़का अघोरी से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, पर अघोरी के आगे उसकी सारी ताकत पस्त हो गई थी। अघोरी को गुस्सा आने लग जाता है, गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो जाता है। अघोरी अपने दोनों हाथों से उस लड़के की गर्दन पकड़ता है और एक ही बार में मोड़कर अपने हाथ में खींच लेता है। लड़का दर्द से कराहता है, आह! उस लड़के का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है, चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। उस लड़के का धड़ जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लग जाता है, उसमें अभी भी जान बाकी थी। ये भयानक मंजर देखकर उस लड़के के माँ बाप के रोंगटे खड़े हो गए थे, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के शव के पास बैठते हैं और रोने लग जाते हैं। अघोरी जिसके हाथ में उस लड़के का सिर था उसके सिर के गर्दन वाले सिरे को ऊपर करता है, उसके अंदर अपना हाथ घुसाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसके सिर के अंदर का मांस खाने लग जाता है। उस अघोरी का मुंह खून से सन जाता है। अघोरी उस लड़के का मांस खाते हुए कहता है, हम अघोरियों को इंसानों का मांस बहुत पसंद होता है, आखिर इससे ही तो हमारी ताकत बढ़ती है। हम इस काबिल हो पाते हैं कि तुम मामूली इंसानों को आसानी से मार पाए। उस लड़के के माँ बाप अभी भी रोए जा रहे थे, उनके रोने की आवाज कमरे में गूंजने लग गई थी। अघोरी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, माँ पापा आप दोनों क्यों रो रहे हैं, मैं हूँ ना आपका बेटा। वो पति पत्नी अघोरी की आंखों में देखने लग जाते हैं। जैसे ही वो अघोरी की आंखों में देखते हैं, अघोरी की आंखों में से लाल रोशनी निकलती है और वो दोनों पति पत्नी रोना बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उस अघोरी के वश में हो गए हों। वो औरत बड़े ही प्यार से कहती है, हाँ हम रो क्यों रहे थे,
हमारे बेटे तो तुम हो, पता नहीं ये कौन है। कल मैं अपने बेटे के लिए बहू देखने जाऊंगी। औरत की बात सुनकर अघोरी खुश हो जाता है और वो फिर से मांस खाते हुए कहता है, अब कल अमोदिता के रिश्ते के लिए मैं जाऊंगा इनका बेटा बनकर। कल एक साथ दो काम होंगे, मुझे मेरा हीरा भी मिल जाएगा और अमोदिता से भी मुलाकात हो जाएगी। आखिर उसने ही तो मेरा श्राप तोड़ा था, उसकी ही तो बदौलत मैं वापस कुत्ते से अघोरी बन पाया हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अघोरी मांस खाते हुए कहता है, अब कल अमोदिता के रिश्ते के लिए मैं जाऊंगा इनका बेटा बनकर। कल एक साथ दो काम होंगे, मुझे मेरा हीरा भी मिल जाएगा और अमोदिता से भी मुलाकात हो जाएगी। आखिर उसने ही तो मेरा श्राप तोड़ा था, उसकी ही तो बदौलत मैं वापस से कुत्ते से अघोरी बन पाया हूँ। इतना कहकर अघोरी हंसने लग जाता है। कमरे के अंदर ही एक आईना लगा हुआ था। जब अघोरी उस आईने के सामने जाकर खड़े होता है तो आईने के अंदर उसका रूप काले कुत्ते की तरह दिख रहा था। अघोरी आईने के अंदर देखते हुए कहता है, अमोदिता तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, अगर तुम तहखाने में नहीं जाती तो मुझे मेरा ये रूप कभी वापस नहीं मिल पाता। मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने। कमरे के अंदर खड़ी औरत कहती है, बेटा कल चलेंगे ना हम बहू से मिलने तुम्हारे साथ, बस आज रात की तो बात है। अघोरी गुस्से के साथ कहता है, आज रात की बात नहीं है, बरसों की रात की बात है। कई सालों से इंतजार किया है मैंने इस रात का। परसों एकादशी है और मुझे परसों तक किसी भी हाल में हीरा ढूंढना है, वरना मैं कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। मेरे पास अब बस दो दिन बचे हुए हैं। वो औरत और आदमी चुप ही बैठते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि अघोरी किस बारे में बात कर रहा था। रात हो गई थी। युग और यामिनी एक डोंगी के अंदर बैठकर नदी पार कर रहे थे। यामिनी चप्पू चला रही थी और युग प्रेम भरी निगाहों से यामिनी के सौंदर्य रूप को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चांद की चांदनी यामिनी के रूप में समाहित हो गई हो। युग की यामिनी पर से नजर ही नहीं हट रही थी। अलग अलग कतार में जुगनू जगमग जगमग करते हुए उन्हीं के डोंगी के पास मंडरा रहे थे, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रहे हो। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी, जैसे उन्हें भी युग और यामिनी का साथ पसंद आ रहा हो। यामिनी बड़े प्यार से युग से पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हैं युग बाबू? युग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, कुछ नहीं। यामिनी अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, कुछ तो बताइए युग बाबू, क्या देख रहे थे ऐसे? युग शर्माते हुए कहता है, कहा तो कुछ नहीं यामिनी, और मेरा नाम युग बाबू नहीं बल्कि केवल युग है, समझी तुम यामिनी? यामिनी अपनी बातों से युग के दिल पर वार करते हुए कहती है, आप युग औरों के लिए होंगे, पर मेरे लिए तो मेरे युग बाबू हैं, और हमेशा युग बाबू ही रहेंगे। युग जानबूझकर ना सुनने का बहाना बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। यामिनी युग का नाटक समझ जाती है और वो युग के मजे लेते हुए कहती है, मैंने कहा पानी में डूब जाइए। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी में भी डूब जाऊंगा यामिनी, पर यदि मैं मर गया तो? यामिनी तुरंत चप्पू चलाना छोड़ती है और युग के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए युग जी, मैं आपको कभी मरने नहीं दूंगी, चाहे खुद क्यों ना मर जाऊं। युग धीरे से पूछता है, सच यामिनी? यामिनी भी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, चाहे तो कभी आजमा कर देख लेना, कभी जान देने की बारी आई तो आपके लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी, पर आपको कुछ होने नहीं दूंगी। युग आहिस्ते से कहता है, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा यामिनी। यामिनी युग के होठों पर से अपनी उंगली हटाते हुए कहती है, ग्रेवयार्ड कोठी जाना जरूरी है क्या युग बाबू? युग कहता है, हाँ यामिनी, ग्रेवयार्ड कोठी जाना जरूरी नहीं है बल्कि बहुत जरूरी है, अब वही तो मेरा आखिरी सहारा है, वहां पर नहीं जाऊंगा तो कहां पर जाऊंगा। यामिनी तुरंत कहती है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए ना। युग झट से पूछता है, और तुम्हारा घर कहाँ पर है? यामिनी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, दूसरे लोक में। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने, दूसरे लोक में? यामिनी अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, दूसरे लोक में, जो आसमान देख रहे हैं ना, इसके बाहर भी एक दुनिया है, वो है मेरी दुनिया। यामिनी की बातें सुनकर युग मन ही मन हंसने लग जाता है, पर कहता कुछ नहीं है। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, आपको पता है उस दुनिया में मेरी तरह ही और भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, आप चाहें तो वहां पर जाकर उन्हें भी ताड़ सकते हैं, ठीक उस तरह जिस तरह आप मुझे ताड़ रहे थे।
युग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? यही कि मैं तुम्हें गंदी नजरों से ताड़ रहा था। यामिनी युग की टांग खींचते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, आप ताड़ी तो रहे थे ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे बदन को। युग अपनी चोरी छुपाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ताड़ नहीं रहा था यामिनी। यामिनी युग की तरफ देखते हुए पूछती है, तो क्या कर रहे थे, आप ही बता दीजिए। युग बड़े प्यार से वापस से यामिनी के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, मैं तो बस देख रहा था यामिनी कि उस ईश्वर ने तुम्हें कितने प्यार से बनाया है। तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से को उसने बड़े प्यार से तराशा है। एक बात कहूँ यामिनी? यामिनी भी प्यार से कहती है, हाँ कहिए ना युग बाबू। बातें करते करते युग यामिनी के बहुत नजदीक पहुँच गया था। युग यामिनी के और नजदीक जाते हुए कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो यामिनी। यामिनी मायूसी के साथ कहती है, नहीं युग बाबू, मैं बहुत बदसूरत हूँ। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने मेरा असली रूप देखा नहीं है। युग कहता है, मुझे तुम्हारा हर रूप मंजूर है यामिनी। तुम्हारी सीरत मेरे दिल में उतर चुकी है, और इंसान की सीरत उसकी सूरत से बड़ी होती है। तुम्हारा ये चेहरा झूठा हो सकता है, पर तुम्हारा दिल नहीं। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, सच युग बाबू? युग यामिनी के होठों को चूमने के लिए अपने चेहरे के नजदीक लाते हुए कहता है, हाँ यामिनी। यामिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतना कहकर युग यामिनी के होठों को चूमने के लिए अपने होठ आगे बढ़ाने लग जाता है। युग यामिनी के रस से भरे होठों को चूमने ही वाला था, तभी डोंगी का संतुलन बिगड़ने लग जाता है। डोंगी यहाँ से वहाँ होने लग जाती है, जिस कारण युग और यामिनी अपनी जगह पर हिलने लग जाते हैं। युग घबराते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? यामिनी भी घबरा गई थी। अचानक से नदी में पानी का स्तर बढ़ गया था, नदी में उफान आ गया था। डोंगी बड़ी तेजी के साथ हिलने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कुछ ही देर में डोंगी डूब जाएगी। संतुलन बिगड़ने के कारण युग और यामिनी दोनों डोंगी के अलग अलग छोर पर कैसे पहुंच गए थे उन्हें खुद पता नहीं चला था। यामिनी और युग अपने आप को संभाल ही रहे थे कि तभी एक जोर से पानी की लहर आती है और यामिनी सीधे नदी के अंदर गिर जाती है। यामिनी चीखती है, युग बाबू बचाइए। यामिनी को डूबता हुआ देख युग भी जोर से चीखता है, यामिनी। युग की आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। युग यामिनी का हाथ पकड़ पाता उससे पहले ही यामिनी युग से दूर हो जाती है और पानी में डूबने लग जाती है। युग चीखता रहता है, यामिनी यामिनी यामिनी। यामिनी चीखती रहती है, युग बाबू युग बाबू युग बाबू। युग अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को दूर जाते हुए देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। यामिनी को डूबता हुआ देखकर युग घबरा जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से भीगने लग जाता है, उसका बदन तपने लग जाता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही यामिनी यामिनी चीखते हुए युग अपने सपने से बाहर आ जाता है, सपने जिस पर हमारा वश नहीं होता है। कहते हैं दिन भर में हम सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में सोचते हैं, रात में अक्सर उसी चीज के सपने हमें आते हैं। और इस वक्त युग को भी उसी चीज का सपना आया था जिसके बारे में उसके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता था, यामिनी, जिसके बारे में वो हर वक्त सोचते रहता था। युग जैसे ही सपना देखकर उठता है तो उसकी नजर सीधे दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है, जिसमें रात के 3:05 हो रहे थे। युग के बगल में ही अभिमन्यु, कायर और कछुआ सो रहे थे, पर वो तीनों इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि युग के चीखने की आवाज सुनकर भी उनकी नींद नहीं खुली थी। इस वक्त शालिनी युग के कमरे में सो रही थी और युग और उसके दोस्त हॉल में। यामिनी को खोने का सपना देखकर युग घबरा गया था, वो अभी भी हांफे जा रहा था। सपने से उठने के बाद भी युग के दिमाग में अभी भी यामिनी का ही ख्याल आ रहा था। यामिनी के चीखने की आवाजें अभी भी युग के कानों में गूंज रही थी। युग को यामिनी की याद आने लग जाती है। उसकी आंखों के सामने हर वो पल बीतने लग जाता है जो उसने यामिनी के साथ बिताया था। प्रेम में टूटे पड़े लोग अक्सर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर वो रोए चीखे तो कोई उनकी आवाज न सुन पाए, और युग के पास भी एक ऐसी जगह थी और वो थी किश्नोई नदी, जहां पर वो पहली बार यामिनी से मिला था। वहीं पर जाकर वो अपना सारा दुख बाहर निकाल देता था। युग ये जानते हुए भी कि वो यामिनी को 9 पहले खो चुका है, बिना किसी डर के किश्नोई नदी जाने के लिए बिना किसी को बताए निकल जाता है। कुछ ही देर में युग को यामिनी का प्यार बंगला मुड़ा घाट पर ले आता है। बंगला मुड़ा घाट पर सन्नाटा छाया हुआ था, युग के सिवा वहां पर कोई नहीं था। वो जुगनू भी नहीं जो पहले जगमग जगमग जगमगाया करते थे जब यामिनी थी। युग किश्नोई नदी से अभी कुछ दूरी पर था और यामिनी को ही याद करते करते अपने कदम नदी की तरफ बढ़ा रहा था। युग दर्द के साथ अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उसी के साथ एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, आओ युग बाबू आओ। फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर युग को लगता है कि हवा के झोंके की आवाज थी,
इसलिए वो शाबाश पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, उसे फिर लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, आइए युग बाबू, आइए। जैसे ही युग ये आवाज सुनता है, वो दंग रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई वहम नहीं था, वहां पर सच में कोई लड़की है जिसने ये सब बोला था। युग अपने आसपास देखने लग जाता है, पर उसे कोई लड़की दिखाई नहीं देती है। वहां पर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। युग अभी निश्चिंत ही हुआ था कि ये उसका वहम था, कि फिर लड़की की आवाज सुनाई देती है, आइए युग बाबू, आइए ना। युग अपनी आंखें बंद करता है और गौर से सोचने लग जाता है कि आवाज की पुकार किस साइड से आई थी। युग आहिस्ता से अपनी आंखें खोलता है और जब अपनी नजरें किश्नोई नदी की ओर राइट साइड करता है, तो देखता है कि अचानक से वहां पर एक जुगनू आ गया था, जो जगमग 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 आ रहा था। एक जुगनू के साथ ही अचानक से वहां पर जुगनू की तादाद बढ़ने लग जाती है। देखते ही देखते वहां पर इतने जुगनू आ जाते हैं कि पूरी नदी जुगनुओं की रोशनी से जगमगाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि काले आसमान में कई सारे तारे जगमग जगमग जगमगा रहे थे। युग उन जुगनुओं को जगमगाते देख ही रहा था कि तभी वो देखता है कि किश्नोई नदी के किनारे पर एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी, जिस कारण उसे उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के कमर तक बाल थे, जो कि इस वक्त खुले हुए थे। युग मनी मन सोचने लग जाता है कि लड़की कौन है जो इस तरह बैठी हुई है, वो भी इतनी रात को। युग कुछ अंदाजा लगा पाता कि वो लड़की कौन है, उससे पहले ही वो लड़की गाना गाने लग जाती है, सारे रिश्ते तोड़ आई, लौट के मैं हूँ आई, मेरी सांसें जब से तेरी सांसों में है समाई, सारे रिश्ते तोड़ आई, लौट के मैं हूँ आई, मेरी सांसें जब से तेरी सांसों में है समाई। जब युग उस लड़की के गाना गाने की आवाज सुनता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। युग हकलाते हुए कहता है, ये तो मेरी यामिनी की आवाज है। इतना कहकर युग एकदम चुप हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। लड़की आगे गाती है, तुम्हारी बाहें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे बिन ओ बाबू मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी बाहें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हारे बिन ओ बाबू मैं मर जाऊंगी। युग बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम उस लड़की के पास बढ़ाने लग जाता है। वो लड़की अपनी जगह पर से उठती है और टहलते हुए गाना गाते हुए कहती है, तूने चाहा है मुझे दिलो जान से, तूने चाहा है मुझे दिलो जान से, तेरे लिए मैं हुआ आई आसमान से, तेरे लिए मैं हुआ आई आसमान से। जैसे जैसे युग उस लड़की के पास अपने कदम बढ़ाते जा रहा था, वो लड़की भी अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। युग अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था वो लड़की कौन थी जो यामिनी के आवाज में गाना गा रही थी। नदी पर मंडराते जुगनू भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जुगनू भी उस लड़की के गाने को सुनकर उस पर मोहित हो गए थे। युग के मन में उस लड़की का चेहरा देखने की इच्छा बढ़ते जा रही थी। जैसे ही युग उस लड़की के करीब पहुंचता है, वो लड़की गाना गाना बंद कर देती है, एकदम चुप हो जाती है, पर वो रुकती नहीं है, चलती रहती है। युग उस लड़की को रोकते हुए कहता है, सुनो, पर वो लड़की फिर भी नहीं रुकती, अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। युग अपने कदमों का दायरा बढ़ाकर फुर्ती के साथ दो तीन कदम एक साथ आगे बढ़ाता है और उस लड़की के करीब पहुंचकर उसके कंधों को छूते हुए कहता है, सुनो, कौन हो तुम? जैसे ही युग उस लड़की को छूता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। उसे वैसा ही एहसास होता है जैसा तब होता था जब वो यामिनी को छूता था। युग की धड़कन तेज हो गई थी, युग के साथ ही उस लड़की की भी जिसे युग ने छुआ था। उस लड़की के स्पर्श से युग अंदाजा लगा पा रहा था कि उस लड़की की सांसें भी बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। उन दोनों के रुकने के साथ ही यहाँ वहां मंडराते हुए जुगनू भी वहीं पर रुक जाते हैं। युग अपने दिल की धड़कनों पर काबू करते हुए पूछता है, कौन हो तुम?
सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग अपने दिल की धड़कनों पर काबू करते हुए पूछता है, कौन हो तुम? युग के सामने खड़ी लड़की कुछ जवाब नहीं देती है। युग फिर पूछता है, बोलो कौन हो तुम? वो लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाती है। जब वो पूरी तरह पीछे पलटती है और युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। युग उस लड़की का चेहरा देख कर भौचक्का रह गया था। उसके सामने कोई और लड़की नहीं बल्कि शालिनी खड़ी हुई थी। शालिनी को बंगला मुड़ा घाट पर देखकर युग हक्का बक्का रह गया था। युग शालिनी की तरफ उंगली करते हुए कहता है, शालिनी तुम यहाँ पर? शालिनी को जवाब नहीं देती है। वो एक टक नजर से युग को देखते रहती है। शालिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई महीनों के बाद युग को देख रही थी। युग को देखकर उसके दिल को वो सुकून मिल रहा था जो एक प्यासे को पानी मिलने पर मिलता है। युग शालिनी से फिर पूछता है, शालिनी तुम यहाँ कैसे? शालिनी बड़े प्यार से बोलती है, वैसे ही युग जी जैसे आप। युग तुरंत पूछता है, तुम समझे नहीं शालिनी, मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गई? शालिनी जवाब देती है, सो तो रही थी युग जी, पर आपके चीखने की आवाज सुनी तो मेरी नींद खुल गई। फिर जब नीचे आकर देखा तो आप कहीं जा रहे थे, ये जानने के लिए कि आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं मैं आपके पीछे पीछे आ गई और पीछा करते करते ही यहाँ तक पहुँच गई। युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, अगर तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई तो तुम्हें तो मेरे पीछे होना चाहिए था, मेरे सामने कैसे आ गई? शालिनी हंसी के साथ कहती है, आपके सामने से ही तो निकली थी मैं। युग बिचकते हुए पूछता है, मेरे सामने से पर कब? शालिनी युग को छेड़ते हुए कहती है, जब आप किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। बताइए किसके ख्यालों में खोए हुए थे आप? युग बात को छुपाते हुए कहता है, किसी के नहीं। शालिनी फिर युग को छेड़ते हुए कहती है, ऐसे कैसे किसी के नहीं, किसी के तो ख्यालों में जरूर खोए हुए थे, तभी तो मैं आपके सामने से निकल गई और आपको पता भी नहीं चला। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, कहा तो किसी के नहीं बस यूं ही। शालिनी युग से पूछती है, वैसे युग जी आप क्या हमेशा यहाँ पर आते हैं रात में? युग जवाब देता है, हमेशा तो नहीं पर कभी कभी। शालिनी युग से बात ही कर रही थी कि तभी एक जुगनू शालिनी के हाथ के ऊपर आकर बैठ जाता है। वो जुगनू शालिनी के हाथ में ऐसे जगमगा रहा था जैसे कोई तारा टिमटिमा रहा हो। शालिनी उस जुगनू को बड़े ही प्यार से देखते हुए कहती है, कितने प्यारे जुगनू है ना ये, लगता है ये जुगनू मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे भी युग जी ये जुगनू बहुत पसंद है। शालिनी की इस बात से युग को यामिनी की याद आ जाती है। युग धीरे से बड़बड़ाता है, उसे भी जुगनू बहुत पसंद है। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए पूछती है, किसे युग जी? युग तुरंत कहता है, वो मेरी यामी। युग ने इतना ही कहा ही था कि तभी उसके दिमाग में आता है कि उसे शालिनी के सामने यामिनी और यक्षिणी इन दोनों ही नामों का जिक्र नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि इसी वजह से उसकी हालत खराब हो रही हो। युग बात को बदलते हुए कहता है, किसी को नहीं शालिनी, अब बातें हो गई हो तो चले। शालिनी झट से पूछती है, कहाँ पर? युग नॉर्मल वे में जवाब देता है, ग्रेवयार्ड कोठी और कहाँ। जैसे ही युग ग्रेवयार्ड कोठी का नाम अपनी जुबान पर लाता है शालिनी कुछ घबरा से जाती है। शालिनी हिचकिचाहट के साथ पूछती है, ग्रेवयार्ड कोठी जाना जरूरी है क्या युग जी? जब शालिनी ये बात बोलती है तो युग को कुछ देर पहले जो सपना आया था वो याद आने लग जाता है। युग को याद आता है कि सपने के अंदर यामिनी ने भी उससे सेम यही सवाल पूछा था, ग्रेवयार्ड कोठी जाना जरूरी है क्या? युग अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए कहता है, हाँ शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी जाना जरूरी है, एक वही जगह है जहाँ पर हम रुक सकते हैं और कोई नहीं, मेरे पास ग्रेवयार्ड कोठी के सिवा कुछ नहीं। शालिनी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप खड़ी रहती है। युग ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग को ही देखकर शालिनी भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। सुबह हो गई थी और रोंगकामुच्चा गांव में हवेली के अंदर अघोरी विशाल वाली वेशभूषा में अपने नकली माता पिता के साथ इस वक्त हवेली के अंदर बैठा हुआ था। उसके सामने ही दिलीप, सुदेश, जानकी और वंदना बैठे हुए थे और उनसे बातें कर रहे थे। दिलीप सुदेश से इस बात से बहुत नाराज था कि सुदेश अमोदिता के लिए लड़का देखने गया था और उसने उसे बताया तक नहीं था, पर मेहमानों के आने के कारण वो इस वक्त चुप बैठा हुआ था। उसने सुदेश की खबर नहीं ली थी, उसने सोच लिया था जैसे ही मेहमान जाएंगे वो सुदेश की अच्छे से खबर लेगा। वंदना विशाल को घूरे जा रही थी क्योंकि उसे उसमें कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन क्या अजीब था वो वंदना समझ नहीं पा रही थी। दिलीप विशाल से पूछता है,
तो बेटा तुम यूनियन बैंक में मैनेजर हो? विशाल अपनी पीठ सीधे करते हुए जवाब देता है, जी अंकल, ये जो मेहंदी पथार में यूनियन बैंक है ना, वहाँ पर। दिलीप कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा वहाँ पर तो मेरा आना जाना लगा रहता है, पर कभी तुम दिखे नहीं। विशाल अपने चेहरे की घबराहट छुपाते हुए कहता है, वो अंकल मेरी अभी अभी पोस्टिंग हुई है ना, इसलिए नहीं दिखा होगा। वैसे भी इतनी बड़ी ब्रांच है, कभी कभी तो हम बैंकर भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, फिर हर आने जाने वाले से कैसे मिल पाएंगे। विशाल अपनी आंखों से अपने नकली पिता को इशारा कर देता है कि वो कुछ करे, और फिर विशाल के पिता उनके सामने रखे समोसे खाते हुए कहते हैं, समोसे तो बहुत अच्छे बने हैं, अमोदिता बिटिया ने बनाए हैं क्या? जानकी खुश होते हुए कहती है, हाँ अमोदिता ने ही बनाए हैं, हमारी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है और उसे तो खाना खिलाने का बहुत शौक है। विशाल की नकली माँ कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारे बेटे और अमोदिता की जोड़ी खूब जमेगी। हमारे बेटे को खाना बहुत पसंद है, उसे इंसानों का मांस और खून बहुत पसंद है। जैसे ही विशाल की माँ ये बात बोलती है, वहाँ पर बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विशाल अपनी माँ को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, ये क्या बोल दिया इस बुढ़िया ने। विशाल के पिता मामले को संभालते हुए कहते हैं, मेरी पत्नी का कहने का मतलब है कि चिकन और चुकंदर, मेरी पत्नी चुकंदर को खून ही बोलती है, वो क्या है ना, चुकंदर खून बढ़ाता है ना, इसलिए। अरे कई बार तो कहती है, लो जी एक गिलास खून पी लो, मतलब चुकंदर का जूस पी लो। विशाल के बाप की बात सुनकर अमोदिता के घर वाले बनावटी हंसी के साथ हंसने लग जाते हैं। विशाल की माँ यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है, वैसे अमोदिता बिटिया कहीं दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? जानकी कहती है, नहीं नहीं अमोदिता तो घर में ही है, बस तैयार हो रही है, आती होगी। एक तरफ अमोदिता के घर वाले उसके रिश्ते की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमोदिता अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रजनी भी उस वक्त वहीं पर थी। अमोदिता आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। रजनी गुस्से के साथ कहती है, अरे नालायक लड़की क्या कर रही है और कितना वक्त लगाएगी, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे तेरा। अमोदिता अपने गाल पर फेस पाउडर लगाते हुए कहती है, माँ अभी तो मैं तैयार ही नहीं हुई हूँ, सुंदर दिखूंगी तभी तो लड़के वालों को पसंद आऊंगी ना। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, तू कितना भी मेकअप क्यों ना कर ले, पर लड़के वालों को पसंद कभी नहीं आने वाली, कौवा कभी हंस नहीं लग सकता, समझी। रजनी की बात सुनकर अमोदिता नाराज हो जाती है और नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है, अगर ऐसा ही है माँ तो फिर मुझे क्यों तुमने तैयार होने के लिए बोला, और तुम तो मेरी शादी युगजी से करवाने वाली थी ना, फिर ये लड़का कहाँ से आ गया बीच में। रजनी जवाब देती है, अरे अब क्या बताऊँ मैं तुझे, ये सब तेरे बाप की करामात है, वो तो काला जादू कर नहीं पा रही हूँ मैं, वरना बात को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती, मैं मामला पहले ही रफा दफा कर देती, पर मुझे पता है ना लड़के वाले कभी तुझे पसंद नहीं करेंगे तेरी ये सूरत देखकर। अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ की आदत है उसे ताना देने की। अमोदिता चुपचाप अपना मेकअप करने लग जाती है। अमोदिता दराज खोलती है और उसमें से सोने के कान की बूंदे निकालकर अपने कानों में पहनने लग जाती है। उन बूंदों की चमक अलग ही थी और डिजाइन भी काफी पुराने जमाने का था। जब अमोदिता अपने कानों में वो बूंदे पहनती है तो रजनी की सीधे उन पर नजर पड़ती है। रजनी उन बूंदों को देखते हुए हैरानी के साथ पूछती है, ये सोने की बूंदे कहाँ से आए तेरे पास? रजनी का सवाल सुनकर अमोदिता घबरा जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है। रजनी अमोदिता की ये घबराहट पहचान लेती है और उस पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अरे नालायक लड़की चुप क्यों है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बता कहाँ से आए ये बूंदे तेरे पास? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो माँ ये बूंदे ना मुझे बुआ जी ने दिए हैं, कहा कि आज लड़के वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं ना, तो पहन लेना तुझ पर अच्छे लगेंगे। रजनी खुद से बड़बड़ाती है, सोने के बूंदे जानकी दीदी ने तुझे दिए, यकीन नहीं होता, आज तक तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, तुझे कैसे इतनी कीमती बूंदे दे दिए। अमोदिता कुछ कहती है उससे पहले ही कमरे के अंदर जानकी और वंदना आ जाते हैं। जानकी कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? रजनी बात को दबाते हुए कहती है, कुछ नहीं जानकी दीदी, बस यूं ही बातें कर रही थी, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, कल ही की तो बात थी जब इसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और अब देखो इतनी बड़ी हो गई कि किसी का हाथ थाम ले जा रही है। जानकी नम आंखों के साथ कहती है, ये बात तो है रजनी, जब मैंने अपने विराट बेटे की शादी वंदना के साथ कराई थी तब मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था। वंदना खुद से बड़बड़ाती है, मुझे भी तैयार होना है, वो आते ही होंगे, उन्होंने मुझे तैयार होने बोला था। रजनी मन ही मन सोचती है, चालू हो गया इस पागल का नाटक। जैसे ही रजनी ये बात बोलती है, वंदना रजनी को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। जानकी अमोदिता को देखते हुए कहती है, अमोदिता बेटा आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। जानकी की बात सुनकर अमोदिता शर्मा जाती है। जानकी कहती है, अब चले अमोदिता बेटा, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें बुलाने ही आई थी। अमोदिता अपनी जगह पर से खड़ी हो जाती है और सभी के साथ नीचे जाने लग जाती है। जब अमोदिता नीचे पहुंचकर विशाल को देखती है
तो उसकी उससे नजर ही नहीं हटती है। विशाल के चेहरे में एक अट्रैक्शन था जो अमुदिता को उसकी ओर खींच रहा था। कुछ देर तक उन सब में बातें होती हैं और अगले ही पल विशाल की नकली माँ खुश होते हुए बोलती है, हमें लड़की पसंद है तो बताइए फिर कब की शादी निकाले। विशाल की माँ की बात सुनकर अमोदिता के घर वाले बहुत खुश हो गए थे सिवाय रजनी के। उसे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लड़के वालों को अमोदिता पसंद आ गई थी। विशाल मन ही मन सोचता है कि पागल मरवाएगी, पता नहीं क्यों ले आया मैं इसे अपने साथ, इसे भी इसके बेटे के साथ ही मार देना चाहिए था कल, बड़ी जल्दी है इसे शादी कराने की। सुदेश खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी आपका बेटा पसंद है, अभी मुहूर्त देखते हैं और शादी की डेट निकाल लेते हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही विशाल सुदेश को टोकते हुए कहता है, 2 मिनट अंकल, शादी की डेट निकालने से पहले मैं अमोदिता से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही विशाल ये बात बोलता है सब एकदम चुप हो जाते हैं। दिलीप बनावटी हंसी के साथ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आजकल तो सभी जवान लड़के लड़की यही करते हैं, दोनों की सहमति होनी चाहिए तभी तो बात बन पाती है, तुम अमोदिता से अकेले में बात कर सकते हो। विशाल मन ही मन सोचता है, चलो कोई तो समझदार निकला, वरना इनका बस चलता तो ये लोग अभी मेरी अमोदिता के साथ शादी करवा देते और जिस काम से मैं यहाँ पर आया हूँ वो कभी नहीं हो पाता। दिलीप अमोदिता को इशारा करते हुए कहता है, अमोदिता बेटा जाओ इन्हें अपना कमरा दिखा कर लाओ। अमोदिता अपनी जगह पर से उठती है और विशाल को अपने कमरे में ले जाने लग जाती है। विशाल और अमोदिता एक कमरे में बैठे हुए थे, दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। विशाल उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, अमोदिता तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो। पहले तो ये बात सुनकर अमोदिता खुश हो जाती है पर अगले ही पल उदासी के साथ कहती है, देखिए मैं आपको सच सच बता देती हूँ, मैंने ना बहुत मेकअप किया है, हो सकता है कि इसीलिए मैं आपको सुंदर लग रही हूँ, मैं जैसी दिख रही हूँ असल में वैसी नहीं हूँ। विशाल बड़े प्यार से कहता है, मुझे पता है अमोदिता तुम कैसी हो, तुम बहुत सुंदर हो। अमोदिता मेरी बात का यकीन करो, हो सकता है आज तक किसी लड़के ने तुम्हारे अंदर की वो खूबसूरती नहीं देखी, पर मैं तुम्हारी वो खूबसूरती साफ देख पा रहा हूँ। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जो बात तुम्हारे चेहरे में है वो किसी में नहीं। विशाल की बातें सुनकर अमोदिता मन ही मन खुश होते जा रही थी। विशाल को सच में अमोदिता बहुत पसंद आ गई थी, उसने सच में अमोदिता से शादी करने का प्लान बना लिया था। विशाल आगे कहता है, अमोदिता अगर तुम और मैं एक हो गए तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे, हमारी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। बातों ही बातों में विशाल की जुबान फिसल गई थी, उसने वो बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। अमोदिता शॉक्ड होते हुए पूछती है, शक्ति कैसी शक्ति। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बातों ही बातों में विशाल की जुबान फिसल गई थी, उसने वो बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। अमोदिता शॉक्ड होते हुए पूछती है, शक्ति कैसी शक्ति। विशाल मन ही मन सोचता है, ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, अमोदिता को देखकर मैं कुछ ज्यादा ही बावरा हो गया हूँ, मैं जिस मकसद से आया हूँ मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। अमोदिता फिर पूछती है, बोलिए ना आप चुप क्यों है, आप किस शक्ति की बात कर रहे थे। विशाल अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, प्रेम की शक्ति। अमोदिता आखिर प्रेम ही तो एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सारी दुनिया हार जाती है। अमोदिता की आंखों में देखकर विशाल उसे अपने वश में कर रहा था पर अमोदिता उसके वश में नहीं हो रही थी। अमोदिता अभी भी विशाल को शक की नजरों से देख रही थी। विशाल मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये अमोदिता मेरे वश में क्यों नहीं आ रही है, ये मेरे वश में आएगी तभी तो मैं इससे अपना काम करवा पाऊंगा। विशाल अमोदिता के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अमोदिता से जुड़ी एक बात याद आती है और वो मन में सोचता है, मैं ये कैसे भूल गया कि अमोदिता एक सौदाइन है और सौदाइन पर नर कुत्तों का वशीकरण नहीं चलता है, लगता है मुझे कोई दूसरा पैतरा आजमाना होगा इस पर। विशाल अमोदिता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ अमोदिता, बोलो क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी, मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी एक औरत को आशा रहती है। विशाल की बात सुनकर अमोदिता खुशी से फूले नहीं समाती है, जितने प्यार से विशाल ने उससे बात करी थी उतने प्यार से उससे आज तक किसी ने बात नहीं करी थी, खुद उसकी माँ ने भी नहीं। अमोदिता विशाल के बुने जाल में फंस गई थी। अमोदिता आहिस्ते से बोलती है, हाँ मैं आपके साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। विशाल मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है। विशाल अमोदिता के कमरे को देखते हुए कहता है,
तुम्हारा ये कमरा तो बहुत सुंदर है अमोदिता। कितनी बारीक कारीगरी की गई है इस दीवार में, इसे बहुत प्यार से तराशा गया है। अमोदिता कहती है, सिर्फ मेरा कमरा ही नहीं बल्कि हमारी तो पूरी हवेली बहुत खूबसूरत है, बहुत बारीकियों के साथ बनाया गया है। विशाल उत्साहित होते हुए कहता है, सच अमोदिता? अमोदिता हाँ में भरती है, हाँ सच में। विशाल गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहता है, क्या तुम मुझे अपनी हवेली दिखाओगी? मैंने आज तक इतनी खूबसूरत हवेली पहले कभी नहीं देखी। अमोदिता तुरंत बोलती है, हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं अभी आपको अपनी हवेली दिखाती हूँ। अमोदिता विशाल को अपनी हवेली दिखाने लग जाती है। अमोदिता जब भी विशाल को किसी कमरे में ले जाती थी, विशाल उस कमरे को गौर से देखता था और अपनी नाक की सूंघने की शक्ति तेज कर लेता था, उतनी ही तेज जितनी एक कुत्ते की होती है। अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करके विशाल हर कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। विशाल एक कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, आखिर कहाँ है वो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? अमोदिता विशाल को एक एक करके हवेली के सभी कमरे दिखाई रही थी कि तभी वो एक कमरे के आगे आकर रुक जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अमोदिता हिचकिचा रही हो उस कमरे के अंदर घुसने से। अमोदिता मन ही मन सोचती है, इस कमरे के अंदर तो तहखाने में जाने का रास्ता है, अगर इन्हें यहाँ पर ले गई और गलती से भी माँ को इस बारे में पता चल गया तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। अमोदिता बहाना बनाते हुए विशाल से कहती है, बस इतनी ही बड़ी थी हमारी हवेली, चलिए नीचे चलते हैं। विशाल कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पर अमोदिता ये कमरा तो बच ही गया, इसे तो मैंने अंदर से नहीं देखा है। अमोदिता झिझक के साथ कहती है, ये कमरा भी बाकी कमरों की तरह ही है, इसमें देखने लायक कोई चीज नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं अब, हमें काफी वक्त हो गया है ऊपर आए। अमोदिता की आंखें देखकर विशाल समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। विशाल मन ही मन सोचता है, ये कमरे के अंदर तो तहखाने जाने का रास्ता है, कहीं वो तहखाने के अंदर तो नहीं। अमोदिता विशाल को टोकते हुए कहती है, आप खड़े क्यों हैं? नीचे नहीं चलना है क्या? विशाल जानबूझकर खांसने लग जाता है। विशाल इतना खांसता है कि अमोदिता घबरा जाती है। अमोदिता डरते हुए कहती है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अमोदिता पानी लेने चली जाती है। अमोदिता के जाते ही विशाल तुरंत दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर घुस जाता है। कमरा खाली पड़ा हुआ था, वहां पर कोई नहीं था। विशाल को आभास होने लग जाता है कि वहां पर जरूर कुछ अजीब था। विशाल कमरे के अंदर मौजूद खुफिया दरवाजा खोलता है और खुफिया सीढ़ियों से तहखाने की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे विशाल तहखाने की ओर अपने कदम बढ़ाते जा रहा था, खुश होते जा रहा था। उसे लग रहा था जिस चीज के लिए वो आया था वो तहखाने के अंदर ही थी। विशाल तहखाने के अंदर पहुंचने ही वाला था कि तभी बीच रास्ते में उसे वहां पर दीपा मिल जाती है। दीपा को देखकर विशाल जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। दीपा विशाल को देखते हुए कहती है, कौन है तू और यहां पर क्या कर रहा है? विशाल बड़बड़ाता है, जादूगरनी, और वो भी यहां पर? विशाल की बात दीपा सुन लेती है और शॉक्ड होते हुए मन ही मन सोचती है, इसे कैसे पता चला कि मैं जादूगरनी हूँ? दीपा विशाल को घूरने लग जाती है और विशाल भी दीपा को घूरने लग जाता है। दीपा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी इसलिए वो विशाल के असली रूप को पहचान नहीं पा रही थी, पर विशाल ने एक ही बार में दीपा की आंखें पहचान लिया था। दीपा गुस्से के साथ बोलती है, बोल कौन है तू? विशाल कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां पर अमोदिता आ जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, ये मेरे होने वाले पति हैं। अमोदिता अपने साथ पानी का गिलास लेकर आई थी। अमोदिता विशाल से रूबरू होते हुए कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने मना किया था ना आपको यहाँ पर आने के लिए। विशाल बहाना बनाते हुए कहता है, वो क्या है ना अमोदिता, मुझे बहुत तेज खांसी आ रही थी इसलिए मैं सीधे कमरे के अंदर घुस गया। मुझे लगा अंदर पानी रखा होगा, पर जब अंदर आया तो इस ओर से आवाजें आ रही थी। आवाजें किस चीज की थी यही जानने के लिए यहाँ तक चले आया। इतना कहकर विशाल नाटक करते हुए खांसने लग जाता है। अमोदिता उसे पीने के लिए पानी का गिलास दे देती है। दीपा अभी भी विशाल को शक की निगाह से घूरे जा रही थी। विशाल तहखाने की ओर जाते हुए रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ इसके आगे क्या है अमोदिता, चलो ना देख कर आते हैं। अमोदिता विशाल को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो बात कुछ यूँ है ना, इस तरफ जाना अलाउड नहीं है, मैं भी नहीं गई हूँ आज तक। विशाल को गुस्सा आने लग जाता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। विशाल मन ही मन सोचता है, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सोचा था बिना खून बहाए ही काम को अंजाम तक पहुंचा दूंगा, पर लगता है जब तक एक दो बलि और नहीं चढ़ेगी काम नहीं बनने वाला। विशाल तो उसी वक्त तहखाने के अंदर जाना चाहता था, पर वो जानता था उसके सामने एक जादूगरनी खड़ी है। अगर उसने कुछ भी कांड इस वक्त किया तो उसे जादूगरनी का सामना करना पड़ेगा, और उसके पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि वो एक जादूगरनी का सामना कर सके।
उसके पास सिर्फ एक दो शक्तियाँ थी, इंसानों को वश में करने की और दूसरी नर कुत्ता बनने की। बस विशाल चुपचाप प्रमोदिता के साथ वहां से वापस जाने लग जाता है। दीपा विशाल को वैसे ही घूरते रहती है जैसे पहले घूर रही थी। आधे घंटे बाद अमोदिता और विशाल दोनों के घर वाले उनके रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। दोनों के घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दिलीप कहता है, हमारे परिवार के एक पुराने पुजारी हैं, शादी की तारीख कब निकालनी है एक दो दिन में मैं उनसे मुहूर्त पूछ कर आपको बताता हूँ। विशाल का बाप कहता है, जी कोशिश कीजिएगा कि जल्द हो जाए। दिलीप कहता है, हाँ क्यों नहीं। विशाल अपनी माँ को इशारा कर देता है। विशाल की माँ कहती है, अब हमें इजाजत दीजिए जाने की, बहुत सी तैयारियां शुरू करनी है घर जाकर। इतना कहकर विशाल की माँ सोफे पर से उठ जाती है। विशाल और उसके नकली पिता भी उठ जाते हैं। विशाल एक एक करके सबसे विदा लेता है और दिलीप से कहता है, अंकल जी आप थोड़ा बाहर तक चलेंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दिलीप हामी भरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं बेटा चलो। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, इसे बड़े भैया से क्या बात करनी है आखिर। विशाल और उसके घर वाले दिलीप के साथ घर से बाहर आ जाते हैं। विशाल के माता पिता जिप्सी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, पर विशाल और दिलीप अभी भी घर के बाहर ही खड़े हुए थे। दिलीप कहता है, हाँ बोलो बेटा क्या बात करनी थी। विशाल पहले अपने आसपास देखता है, जब उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता है तो बेफिक्र होकर गुस्से के साथ कहता है, हीरा ला कर दे। दिलीप विशाल की बात का गलत मतलब निकालते हुए जवाब देता है, बेटा तुम्हें जो जो चाहिए सबकी लिस्ट बना लो, हम सब देने के लिए तैयार हैं दहेज में, बस हमारी बेटी अमोदिता को हमेशा खुश रखना, हमें उसकी खुशी के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। विशाल अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ। दिलीप असमंजस में पड़ते हुए कहता है, अगर दहेज नहीं मांग रहे हो तो क्या मांग रहे हो। विशाल जवाब देता है, मैं हीरा मांग रहा हूँ, मुझे मेरा हीरा चाहिए। दिलीप हैरानी के साथ पूछता है, हीरा कैसा हीरा। विशाल गुस्से के साथ कहता है, यक्षिणी के ताज के अंदर का हीरा। जैसे ही दिलीप विशाल के मुंह से ये बात सुनता है वो हक्का बक्का रह जाता है। दिलीप हिचकिचाते हुए कहता है, तुम्हें यक्षिणी के ताज के बारे में कैसे पता, कौन हो तुम। विशाल अपने चेहरे पर कातिल स्माइल लाने लग जाता है। ये देखकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत विशाल का कॉलर पकड़ लेता है। दिलीप विशाल के कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बता कौन है तू। विशाल हंसते हुए कहता है, तू जानना चाहता है कौन हूँ मैं, तो देख फिर। विशाल ने इतना कहा ही था कि तभी अपने आप उसका पूरा रूप बदलने लग जाता है। विशाल अघोरी के रूप में बदल जाता है। विशाल को अघोरी के रूप में बदलता हुआ देखकर दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप हकलाते हुए कहता है, अघोरी तुम वापस आ गए। अघोरी हंसते हुए कहता है, मुझे तो वापस आना ही था, तुझे क्या लगा तू मेरी हवेली में हमेशा अपना डेरा बनाए रहेगा। बिल्कुल नहीं, ये हवेली मेरी थी और मेरी ही रहेगी। दिलीप डरते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी हवेली चाहिए ले लो, पर मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अघोरी कहता है, अपनी हवेली तो मैं ले ही लूंगा और मेरा वो खजाना भी जिससे इतने सालों तक तू ऐश कर रहा है, पर उससे पहले मुझे यक्षिणी के ताज का हीरा चाहिए। दिलीप घबराते हुए कहता है, मेरे पास ना ही यक्षिणी का ताज है और ना ही उसके अंदर का हीरा, वो तो बहुत पहले किसी ने मेरे कमरे से चुरा लिया था। अघोरी अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, झूठ बोलता है, अघोरी से झूठ बोलता है। दिलीप अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो, यही सच है, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। अघोरी गुस्से के साथ कहता है, अगर तेरे पास कोई हीरा नहीं है तो तेरे तहखाने के पास वो जादूगरनी क्या कर रही है, बता किस चीज की रखवाली करवा रहा है तू उससे। दिलीप तुरंत बोलता है, वो जादूगरनी से मैं कोई सी रखवाली नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मायाधारी जी से मैं। दिलीप ने इतना ही कहा था कि अघोरी उसे बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा तूने, मायाधारी, जादूगरनियों की रानी मायाधारी यहाँ पर है। दिलीप अघोरी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ मायाधारी जी यहीं पर है और वो तहखाने के अंदर यक्षिणी को मारने के लिए साधना कर रही है। दिलीप की बात सुनकर अघोरी जोर जोर से हंसने लग जाता है। दिलीप समझ जाता है कि अघोरी की इस हंसी के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर छुपा था। दिलीप बड़ी हिम्मत के साथ पूछता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। अघोरी जवाब देता है, क्योंकि वो मायाधारी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। दिलीप शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, मायाधारी मुझे बेवकूफ बना रही है। अघोरी दिलीप को समझाते हुए कहता है, हाँ वो मायाधारी तुझे बेवकूफ बना रही है, उसके पास तो खुद चंद दिन बचे हैं अपनी जिंदगी बचाने के, वो भला क्या यक्षिणी को मारेगी। दिलीप अघोरी की बात को नकारते हुए कहता है,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मायाधारी जी हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम झूठ बोल रहे हो, अघोरी दिलीप की आंखों में देखते हुए कहता है। हम अघोरी हैं इंसान नहीं जो झूठ बोले। हम अघोरी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम हमारी बात के पक्के रहते हैं। दिलीप एकदम चुप हो जाता है क्योंकि वो अभी भी अघोरी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अघोरी आगे कहता है, बोल हीरा कहाँ है? दिलीप वही बात रिपीट करता है, मैंने कहा तो हीरा मेरे पास नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। उस रात जब ताज चोरी हुआ था तो उस चोर का मैंने खुद पीछा किया था। पीछा करते करते मैं किश्नोई नदी तक पहुंच गया था। नदी पार करने के बाद बंगला मुड़ा घाट पर वो चोर कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ पता नहीं चला। दिलीप की आंखों में देखकर अघोरी समझ गया था कि वो सच बोल रहा है। अघोरी दिलीप से पूछता है, इसका मतलब जब वो ताज चोरी हुआ उसके अंदर हीरा लगा हुआ था? दिलीप कहता है, हाँ उसके अंदर हीरा लगा था, पर बाद में कैसे अलग हो गया ये मुझे नहीं पता। देखो मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया, अब मुझे जाने दो। अघोरी कातिल स्माइल के साथ कहता है, जाने दो और तुझे ऐसे कैसे? दिलीप डरने लग जाता है, उसे अघोरी की आंखों में अपनी मौत नजर आने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। दिलीप डरने लग जाता है, उसे अघोरी की आंखों में अपनी मौत नजर आने लग जाती है। दिलीप डरते हुए कहता है, देखो सब कुछ तो बता दिया मैंने तुम्हें, फिर क्यों मारना चाहते हो मुझे? अघोरी अपने पैने दांत बाहर निकालते हुए कहता है, मरना तो तुझे पड़ेगा, ये सजा है तेरी उस ताज को उस खजाने में से निकालने की। ना ही तू ताज को उस खजाने में से निकालता और ना ही हीरा ताज से अलग होता। मुझे हीरा पाने के लिए जितना भटकना पड़ रहा है उसका जिम्मेदार तू ही है, अब उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। दिलीप घबराने लग जाता है, उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग गए थे। दिलीप ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, देखो मत मारो मुझे, छोड़ दो। अघोरी दिलीप को मारने के लिए अपने पैने दांत उसके गले के पास ले जाने लग जाता है। अघोरी दिलीप को काटने ही वाला था कि तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से उसकी पीठ पर किसी ने वार किया हो। अघोरी दर्द से कराहता है, आह! दिलीप के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, अघोरी कैसे चिल्लाने लग गया था। जब अघोरी पीछे पलटता है तो अघोरी और दिलीप देखते हैं कि अघोरी के पीछे दीपा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसी मशाल से अभी कुछ ही पल पहले दीपा ने अघोरी की पीठ पर वार किया था, जिस कारण अघोरी की पीठ की चमड़ी जल गई थी और वो अभी भी दर्द से कराह रहा था। दीपा हंसते हुए कहती है, तुझे क्या लगा अघोरी, तू एक जादूगरनी को चकमा दे देगा, उसके सामने रूप बदल कर आएगा और वो तुझे पहचान नहीं पाएगी। अघोरी दीपा को गुस्से से घूरे जा रहा था। दीपा आगे कहती है, जादूगरनी की नजरों से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तू यहाँ पर किस मकसद से आया है, इसलिए उस वक्त मैंने तुझे कुछ नहीं किया, वरना तुझे उसी वक्त मार देती मैं। अघोरी घूरते हुए कहता है, क्या कहा, तू मुझे मार देती? तेरे अंदर इतनी शक्ति है भी? दीपा भी गुस्से के साथ कहती है, देखना चाहता है मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं? अघोरी दीपा के हाव भाव देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरा मैं भी तो देखूं मायाधारी ने अपनी सेविका को क्या क्या सिखाया है, या उसकी सेविका भी मायाधारी की तरह अपनी मौत से डरी हुई है। ये बात सुनकर दीपा को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ अघोरी को घूरने लग जाती है। अघोरी और दीपा दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। देखते ही देखते अघोरी से काले कुत्ते के रूप में बदल जाता है। अघोरी को नर कुत्ता बनता हुआ देख दीपा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीपा फुसफुसाती है, नर कुत्ता वो भी एक अघोरी, ये कैसे मुमकिन है? नर कुत्ते के खूंखार दांत देखकर दीपा भी घबरा गई थी, पर वो जानती थी अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। अगर वो पीछे हटती तो मायाधारी का सिर शर्म से नीचे हो जाता। दीपा नर कुत्ते का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। दीपा ने अपने एक हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी जो अभी भी दहक रही थी। दीपा मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाती है और मशाल की तरफ देखने लग जाती है। दहकती हुई मशाल के अंदर से एक आग का गोला निकलता है और स्पीड के साथ नर कुत्ते की तरफ जाने लग जाता है। आग का छोटा सा गोला नर कुत्ते के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वो नर कुत्ता वहां से हट जाता है। दीपा बार बार मंत्रों का जाप करके आग के गोले बनाए जा रही थी और उन गोलों से नर कुत्ते पर वार करे जा रही थी, पर नर कुत्ता
हर बार उन वारों से बच जाता है। नर कुत्ता देखते ही देखते आग के गोलों से बचते हुए दीपा के पास पहुंच जाता है और झट से उस पर झपट्टा मारकर उसके हाथ से मशाल गिरा देता है। दीपा जमीन पर गिर जाती है, वो बिना मशाल के असहाय हो गई थी। नर कुत्ता आसमान की तरफ देखकर भौंकने लग जाता है। उसके भौंकने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शंखनाद कर रहा हो शिकार करने से पहले का। नर कुत्ता इंसान की आवाज में कहता है, लगता है ज्यादा कुछ सिखाया नहीं है मायाधारी ने तुझे, तू भी उसकी तरह बूढ़ी तो नहीं हो गई। दीपा कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो नर कुत्ते के पंजों के तले दब चुकी थी। नर कुत्ता आगे कहता है, इंसानों का मांस तो बहुत खाया है, पर आज एक जादूगरनी का मांस खाकर मजा आ जाएगा। तुझे मारकर मैं जादूगरनी की शक्तियां भी हासिल कर लूंगा। इतना कहकर नर कुत्ता दीपा पर झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी दिलीप हिम्मत करके मशाल को फुर्ती के साथ उठाता है और बिना कुछ सोचे समझे उससे नर कुत्ते की पूंछ पर वार कर देता है। उस नर कुत्ते की पूंछ में आग लग जाती है। नर कुत्ता दर्द से कराहता है। नर कुत्ता अपनी लाल आंखों से दिलीप को घूरते हुए कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया दिलीप, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। नर कुत्ता समझ गया था कि अब वो और ज्यादा देर दीपा का मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत घायल हो गया था और यदि गलती से भी वहाँ मायाधारी भी आ जाती तो फिर वो उसके सामने नहीं टिक पाता, इसलिए वो वहाँ से जाने का मन बना लेता है। नर कुत्ता कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ पर जल्द वापस आऊंगा और तुम सबकी मौत अपने साथ लेकर आऊंगा। बस एक बार मुझे वो हीरा मिल जाए फिर तुम्हारी मौत ज्यादा दूर नहीं। इतना कहकर वो नर कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। दिलीप भागते हुए दीपा के पास जाता है और उसे फर्श पर से उठाते हुए कहता है, आप ठीक तो हैं? जवाब देना छोड़कर दीपा अपने मन में चल रही सवाल पूछ बैठती है कि यक्षिणी का ताज और उसके हीरे का क्या मामला है। रात हो गई थी और इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और उसके दोस्त हॉल में बैठकर खा पी कर बातें कर रहे थे। शालिनी भी उस वक्त वहीं पर बैठी हुई थी। कछुआ एक के बाद एक अपने फटे हुए जोक मारते जा रहा था और शालिनी को हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर शालिनी थी कि हंसने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी हंसी बहुत पहले खो चुकी है। कछुआ हार मानते हुए कहता है, यार शालिनी किस पत्थर की बनी हो तुम, इतने अच्छे अच्छे जोक सुनाए पर तुम उसकी हंसी नहीं रही हो, आखिर तुम ही बता दो तुम कैसे हंसोगी। शालिनी खोए हुए लहजे में कहती है, जब किसी की मौत होगी। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो बातों की आवाज जो कोठी में गूंज रही थी वो गूंजना बंद हो जाती है। एक सन्नाटा कोठी में छा गया था। शालिनी कहना जारी रखती है, जब कोई मरेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, उस वक्त मैं जी भर कर हंसूंगी, रात भर हंसते रहूंगी। युग शालिनी की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या था शालिनी? शालिनी हंसते हुए कहती है, यही तो था जोक, कैसा लगा मेरा मजाक। जब शालिनी ये बात बोलती है तब जाकर सबकी जान में जान आती है। कायर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ये जोक था या शौक था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। शालिनी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ ये तो बस मजाक था, मुझे तो इससे भी अच्छे अच्छे जोक आते हैं, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सुनाऊं। कछुआ शालिनी को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं रहने दो शालिनी। अभिमन्यु कछुए को रोकते हुए कहता है, अरे कछुए मना क्यों कर रहा है, सुनाने देना शालिनी को जोक, अगर वो सुनाना चाहती है तो। वैसे भी तो वो बेचारी इतनी देर से चुप बैठी हुई थी, तू ही बस बकवास किया जा रहा था, अब वो जब बोल रही है तो उसे मना कर रहे हैं। शालिनी तुम ना इस कछुए की बात पर ध्यान मत दो, सुनाओ कौन सा जोक सुनाना था तुम्हें। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ शालिनी सुनाओ हम सब तैयार हैं। शालिनी एक लंबी आह भरती है फिर कहती है, एक गाँव था, उस गाँव में एक डायन भटका करती थी। कछुआ बड़बड़ाता है, लो अब ये फिर शुरू हो गई, बोला था मत सुनाने तो जोक, हकीकत में कम पड़ रही थी क्या जो ये शालिनी जोक में भी डायन को ले आई। शालिनी को कोई टोकता नहीं है, वो बोलना जारी रखती है, डायन गांव में भटका करती थी और मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाया करती थी। कायर शालिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, शालिनी तुम जोक सुना रही हो या यक्षिणी की कहानी सुना रही हो। शालिनी कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु शालिनी की बातें गौर से सुनते हुए कहता है, शालिनी तुम कंटिन्यू करो, बोलो तुम्हें जो बोलना है, हम सुनने के लिए तैयार है। शालिनी आगे कहती है, वो डायन असल में डायन नहीं थी बल्कि देवी थी, बस किसी कारण से डायन बन गई थी। वैसे तो वो डायन अपने हर शिकार को मार देती थी, पर एक बार उसे एक शिकार मिला जिसे वो नहीं मार पाई। युग तुरंत पूछता है, क्यों? शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि डायन को अपने शिकार से प्यार हो गया। कायर और कछुआ तो शालिनी की ऐसी बातें सुनकर डर गए थे,
पर अभिमन्यु और युग गौर से शालिनी की बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ पूछता है, फिर क्या हुआ? शालिनी बड़े प्यार से कहती है, वही हुआ जो एक प्रेमी जोड़े के बीच होता है। दोनों के बीच हर दिन रासलीला होती रही। दोनों दो जिस्म एक जान बन गए, पर एक दिन। इतना बोलकर शालिनी चुप हो जाती है। युग धीरे से पूछता है, पर क्या? शालिनी बड़बड़ाती है, फिर एक दिन डायन को एक बात पता चली। अभिमन्यु फटाक से पूछता है, कैसी बात? शालिनी जवाब देती है, मुक्ति की बात। उसे पता चला कि कैसे वो अपने डायन रूप से मुक्ति पा सकती है और कैसे वो वापस से देवी बन सकती है। अभिमन्यु एक्साइटेड होते हुए पूछता है, कैसे शालिनी, एक डायन वापस से देवी कैसे बन सकती है? शालिनी फुसफुसाते हुए जवाब देती है, अपने प्रेमी को मारकर। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, वहां पर बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कछुआ और कायर तो डर के मारे अपने दांत किटकिटाने लग गए थे। युग शालिनी की आंखों में देखते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ? क्या उस डायन ने वापस से देवी बनने के लिए अपने प्रेमी को मार दिया? शालिनी एकदम चुप हो जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है। युग फिर पूछता है, बोलो शालिनी, क्या उस डायन ने अपने प्रेमी को मार दिया? शालिनी युग के सवाल का कुछ जवाब देती है, उससे पहले ही ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट चली जाती है। कायर घबराते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हो गया यार, ये कैसे चली गई? आज से पहले तो कभी इस तरह नहीं गई, वो भी रात में। कछुआ डरते हुए कहता है, आज से पहले ही किसी ने इस तरह किसी दूसरी डायन की भी तो कहानी नहीं सुनाई ग्रेवयार्ड कोठी में, ये तो होना ही था। हो सकता है यक्षिणी डायन को इस डायन की कहानी पसंद नहीं आई हो। अभिमन्यु जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बोल देता है, ये किसी और डायन की नहीं बल्कि यक्षिणी डायन की ही कहानी थी। कछुआ अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? अभिमन्यु समझ गया था कि उसे शालिनी के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहता है, मैंने कहा डर मत डरपोक। कायर डरते हुए कहता है, यार डर लग रहा है यार, कुछ करो, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में मुझे अजीब अजीब से चेहरे दिखने लग जाते हैं। कछुआ डरते हुए कहता है, वो चेहरे भूत के होते हैं क्या? कछुए ने डर के मारे अभी भी अभिमन्यु का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। अभिमन्यु अपना हाथ अपनी पैंट की जेब में डालने लग जाता है। तभी कछुआ और घबराते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है अभिमन्यु, मेरा हाथ कहाँ ले जा रहा है? देख अंधेरे का फायदा मत उठा, मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अबे उस तरीके का लड़का नहीं है तो मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखा है, हाथ छोड़ मेरा। कछुआ तुरंत अभिमन्यु का हाथ छोड़ देता है। अभिमन्यु अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है और अपना रोलेक्स सिगरेट पीने का लाइटर बाहर निकाल लेता है। जैसे ही अभिमन्यु लाइटर जलाता है, आसपास पीले रंग की धुंधली धुंधली रोशनी होने लग जाती है। कायर नॉर्मल होते हुए कहता है, चलो कुछ काम तो आया तेरा ये लाइटर, मुझे तो लगा था बस ये सिगरेट जलाने के काम आता है। अभिमन्यु कहता है, सिर्फ सिगरेट ही नहीं और भी बहुत काम में आता है मेरा ये लाइटर, तुझे क्या पता। इतना कहकर अभिमन्यु लाइटर की रोशनी पहले कायर के चेहरे की तरफ ले जाता है, फिर कछुए के, फिर युग के। जैसे ही अभिमन्यु शालिनी के चेहरे की तरफ लाइटर ले जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो देखता है कि शालिनी वहां पर नहीं थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये शालिनी कहां पर चली गई, अभी यहीं पर तो थी। अभिमन्यु अपने आसपास लाइटर से रोशनी करने लग जाता है, पर ज्यादा रोशनी नहीं हो पा रही थी जिस कारण उसे अंधेरे में शालिनी नहीं दिख पा रही थी। युग शालिनी को आवाज लगाता है, शालिनी शालिनी, पर कोई जवाब नहीं आता है। कायर और कछुआ तो इतना डर गए थे कि उनकी बोलती बंद हो गई थी, दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। युग और अभिमन्यु शालिनी को आवाज लगा ही रहे थे कि तभी शालिनी की आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ। ये आवाज युग को ऐसे सुनाई दी थी जैसे यामिनी ने कहा हो। शालिनी की आवाज किचन की ओर से आई थी। जब सब लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि किचन के गेट पर शालिनी खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथ में एक बहुत पुराना कोठी का ही लालटेन पकड़ के रखा हुआ था। युग तुरंत शालिनी से पूछता है, शालिनी तुम किचन में कब चली गई, तुम तो यहाँ पर बैठी हुई थी ना। शालिनी युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, तभी युग जी जब आप लोग बातें कर रहे थे मुझे लगा ये कायर और कछुआ ज्यादा न डर जाए इसलिए ये लालटेन जलाने चले गए थे। युग नॉर्मल वे में कहता है, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अभिमन्यु तू भी अपना लाइटर बंद कर दे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। शालिनी वापस युग के पास आकर बैठ जाती है। अभिमन्यु शालिनी के बैठते से ही पूछता है, फिर क्या हुआ शालिनी, तुमने जवाब नहीं दिया, उस डायन ने अपने प्रेमी को मारा या नहीं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु शालिनी के बैठते से ही पूछता है, फिर क्या हुआ शालिनी, तुमने जवाब नहीं दिया,
उस डायन ने अपने प्रेमी को मारा या नहीं। शालिनी सोफे पर से उठती है और खोई हुई आवाज में युग से कहती है, युग जी मुझे नींद आ रही है। अभिमन्यु शालिनी की बात पर ध्यान नहीं देता है और शालिनी से फिर पूछता है, शालिनी बताओ ना कहानी में फिर क्या हुआ, आगे उस डायन ने अपने प्रेमी को मारा या नहीं। शालिनी अपनी बात दोहराती है, युग जी मुझे नींद आ रही है। युग समझ जाता है कि शालिनी को वहां पर नहीं रहना था इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। युग अपने दोस्तों से कहता है, यार तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं शालिनी को उसके रूम तक पहुंचा कर आता हूँ, वो क्या है ना अंधेरा है, अगर गलती से गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभिमन्यु मना करते हुए कहता है, यार ले जाना पर पहले शालिनी को मेरे सवाल का जवाब तो देने दे। युग थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू अभी तक उस स्टूपिड सी कहानी के पीछे पड़ा हुआ है। कछुआ हंसते हुए कहता है, यार तू तो उस डायन की कहानी जानने के लिए इतना उतावला हो रहा है जैसे डायन का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि तू है। अभिमन्यु पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, वो समझ गया था ये सही वक्त नहीं था शालिनी से सवाल पूछने का, वो कुछ जवाब नहीं देने वाली थी। युग टेबल पर रखा लालटेन उठाता है और शालिनी से कहता है, चलो शालिनी मेरे पीछे पीछे रहना और संभल कर चलना, अंधेरा बहुत है। शालिनी चुपचाप युग के पीछे पीछे जाने लग जाती है। युग शालिनी को लेकर उसके कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही युग कमरे के अंदर लालटेन लेकर घुसता है हल्की रोशनी होने लग जाती है। युग लालटेन को कमरे के अंदर रखते हुए कहता है, शालिनी लाइट पता नहीं कब तक आएगी इसलिए ये लालटेन मैंने यहीं पर रख दिया है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना मैं आ जाऊंगा, तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं है। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, सीधे जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। जब शालिनी कुछ जवाब नहीं देती तो युग चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी शालिनी फुसफुसाते हुए कहती है, युग बाबू सुनिए। जैसे ही शालिनी युग बाबू बोलती है युग जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। उसके दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। शालिनी की आवाज यामिनी की आवाज की तरह आई थी और यामिनी की आवाज सुनकर युग शॉक्ड हो गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था जैसे ये उसका कोई वहम है। युग शालिनी को देखते हुए पूछता है, शालिनी तुमने कुछ कहा। शालिनी यामिनी की आवाज में फिर कहती है, युग बाबू। इतना कहकर शालिनी चुप हो जाती है। शालिनी के मुंह से वापस से युग बाबू सुनकर युग समझ गया था कि ये उसका कोई वहम नहीं था। शालिनी ने सच में उसे युग बाबू कहा था और युग जानता था कि युग बाबू बोलकर उसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स बुलाती थी और वो थी उसकी मोहब्बत यामिनी। शालिनी यामिनी की आवाज में कहती है, युग बाबू वहां पर खड़े क्या है, मेरे पास आइए ना। शालिनी के मुंह से यामिनी की आवाज सुनकर युग अपने होशो हवास खो बैठता है। उसके कदम अपने आप शालिनी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जब युग शालिनी की तरफ देखता है तो उसे शालिनी के चेहरे में यामिनी का चेहरा नजर आने लग जाता है। शालिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर शालिनी नहीं बल्कि यामिनी बैठी हुई थी। युग धीरे धीरे यामिनी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। युग को लगने लग गया था कि उसके सामने यामिनी थी। लालटेन से आती हुई पीली रोशनी में यामिनी का सौंदर्य रूप और आकर्षित लग रहा था। युग उसकी तरफ खींचे चला जा रहा था। युग यामिनी के पास पहुंचता है और उसे एकटक नजर से देखते हुए बोलता है, यामिनी। यामिनी धीरे से बोलती है, युग बाबू। युग रुंधे स्वर में कहता है, यामिनी तुम आ गई। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू मुझे तो आना ही था, आप जो मेरा इंतजार कर रहे थे। युग कुछ जवाब नहीं दे पाता है, देता भी कैसे, वो तो खुद यामिनी को देखकर दूसरी दुनिया में खो गया था, अपने ख्यालों की दुनिया में जहाँ वो यामिनी के साथ था। यामिनी रूपी शालिनी युग का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, युग बाबू युग बाबू। युग वापस अपनी दुनिया में जब आता है तो देखता है कि ये सब उसका वहम था। उसके सामने यामिनी नहीं बल्कि शालिनी बैठी हुई थी जो उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाया जा रही थी। युग शॉक्ड होते हुए पूछता है, शालिनी तो वो तुम थी जो मुझे युग बाबू कहकर बुला रही थी। शालिनी अपने आसपास देखते हुए युग को घूरते हुए कहती है, आपको यहाँ पर आपके और मेरे सिवा कोई और दिखाई दे रहा है क्या। युग एक एक करके कमरे के चारों कोनों में देखता है फिर कहता है, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा शालिनी। शालिनी हंसते हुए कहती है, तो जाहिर सी बात है ना फिर मैं ही आपको बुला रही थी, कोई और तो बुलाएगा नहीं। युग कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था शालिनी, मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम मुझे युग बाबू करके क्यों बुला रही थी। शालिनी झट से पूछती है, क्यों मैं आपको युग बाबू बोलकर नहीं बुला सकती क्या। युग कहता है, नहीं शालिनी नहीं बुला सकती, क्योंकि युग बाबू मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की बोल सकती है और वो है। इतना बोलकर युग चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि उसे शालिनी के सामने यामिनी का जिक्र नहीं करना था। शालिनी पूछती है, कौन है युग जी वो, जरा मुझे भी तो बताइए।
युग बात को पलटते हुए कहता है, कोई नहीं शालिनी, छोड़ो ये सब और ये बताओ तुम्हें युग बाबू शब्द के बारे में कैसे पता चला, किसने बताया तुम्हें इसके बारे में? शालिनी युग की तरफ उंगली करते हुए कहती है, आपने? युग शॉक्ड होते हुए कहता है, मैंने? पर कब? शालिनी जवाब देती है, जब आप सो रहे थे तब मैंने देखा था, कल रात ना आप नींद में युग बाबू बोल रहे थे, मैं तभी समझ गई थी इस युग बाबू का कुछ तो लोचा है, सोचा आपसे पूछ कर देखूं, पर आप सीधे जवाब नहीं देते, इसीलिए मैंने दिमाग लड़ाया और दूसरे तरीके से पता करने की कोशिश करी, तो पता चला कुछ लोचा नहीं बल्कि बहुत बड़ा लोचा है इस शब्द का। जरा मुझे भी बताइए कौन है वो जो आपको युग बाबू बोलकर पुकारा करती है? युग कुछ जवाब नहीं देता है, मूर्ति बनकर खड़ा रहता है। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वो यामिनी थी ना जो आपको युग बाबू बोलकर पुकारा करती थी? युग शालिनी को हैरानी के साथ घूरने लग जाता है। शालिनी आगे कहती है, उस दिन सपने में आप यामिनी का भी नाम ले रहे थे, यामिनी यामिनी करके ही तो आखिर आप नींद में से उठे थे, मुझे बताइए ना युग जी आखिर ये यामिनी कौन है? युग कहता है, यामिनी है नहीं थी शालिनी, अब यामिनी इस दुनिया में नहीं है। शालिनी युग से डिसएग्री करते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं युग जी कि यामिनी अब इस दुनिया में नहीं है? युग झट से कहता है, क्योंकि उसे मेरी आंखों के सामने एक अनजान शख्स ने मार दिया था। शालिनी पूछती है, मरने के बाद क्या आपने उसकी लाश देखी थी? युग कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी कहती है, आपकी चुप्पी ये साफ गवाही दे रही है युग जी कि आपने यामिनी की लाश नहीं देखी थी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो मर चुकी है, वो जिंदा भी तो हो सकती है। युग गुस्से के साथ कहता है, अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने क्यों नहीं आती, आखिर कहाँ है वो? शालिनी बड़बड़ाती है, कभी कभी सब हमारे सामने होता है, बस हमें दिखता नहीं क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। युग असमंजस में पड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? शालिनी बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा आप यामिनी को ढूंढते क्यों नहीं है? युग तुरंत कहता है, मरे हुए लोगों को ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफी है शालिनी, इन सब के पीछे बस वक्त जाया होगा और कुछ नहीं। शालिनी चिढ़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने, वक्त जाया होगा? क्या यही था आपका यामिनी के लिए प्यार? आप तो बहुत कमजोर आशिक निकले युग जी। युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, मेरे पास अब बहुत काम है शालिनी, मैं इन सब मामलों में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें नहीं पता इससे पहले भी मैंने यामिनी को बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर वो कहीं नहीं मिली। यामिनी क्या चीज थी तुम्हें नहीं पता? मुझे तो शक है कि मरने के बाद उसका शरीर बचता भी है या नहीं। शालिनी कहती है, पर युग जी। शालिनी इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बस शालिनी अब मैं इस बात पर और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, तुम्हें नींद आ रही थी ना, तुम अब सो सकती हो, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। शालिनी कहती है, पर युग जी अब मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपसे बातें करनी है। युग शालिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और बिना कुछ बोले गुस्से गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। जब वो नीचे हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कायर, कछुआ और अभिमन्यु पहले ही सो चुके थे जो अब गहरी नींद में थे। युग उन्हीं के पास लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लग जाता है। एक घंटा बीत गया था पर युग अभी तक नहीं सो पाया था, सोता भी कैसे? उसके दिल में शालिनी ने यामिनी के नाम की आग जो लगा दी थी। युग शालिनी को बताना चाहता था कि उसने यामिनी को ढूंढने की कितनी कोशिश करी थी, उसकी याद में कितना रोया था, वो कितने दिन तक भूखा रहा था, पर वो नहीं बता पाया क्योंकि कुछ दर्द लड़के हमेशा अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं, उन्हें किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं वरना वो कमजोर कहलाते हैं। युग सोने की बहुत कोशिश कर रहा था पर नहीं सो पा रहा था। युग वापस से अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है क्या करे। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो जलती हुई मोमबत्ती उठाता है और शालिनी के कमरे की तरफ जाने लग जाता है। युग शालिनी के कमरे के पास तो पहुंच जाता है पर शालिनी के कमरे के अंदर ना घुसकर उसके बगल में जो रूम नंबर 666 था उसका दरवाजा खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। लाइट अभी तक नहीं आई थी इसलिए ग्रेवयार्ड कोठी में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ये पहली बार था जब ग्रेवयार्ड कोठी में इतनी देर तक लाइट गई थी। युग कमरे के अंदर लगी बुक रैक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और मोमबत्ती की रोशनी के सहारे कुछ ढूंढने लग जाता है। युग बुक रैक में कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई काला साया उसके पीछे से गुजरा हो। जैसे ही युग को यह एहसास होता है वो झट से पीछे मुड़ता है पर उसके पीछे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। युग खुद से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पर कोई था। युग वापस से बुक रैक में कुछ ढूंढने लग जाता है। युग के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिस चीज को वो ढूंढ रहा था वो उसे अब तक नहीं मिली थी। युग बुक को बिना रैक से बाहर निकाले उनके टाइटल पढ़ते जा रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था। युग कमरे के अंदर ही लगी दूसरी बुक सेल्फ के पास चले जाता है और वहां पर कुछ ढूंढने लग जाता है। युग कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे फिर से वही एहसास होता है, पर इस बार उसे जो एहसास हुआ था वो अलग था।
उसे लग रहा था जैसे कोई काला साया उसके पीछे खड़ा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी में उस काले साये की परछाई फर्श पर साफ बनती नजर आ रही थी। युग सहम जाता है और डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पूरी तरह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। युग खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना कहकर युग वापस से आगे घूमा ही था कि तभी अचानक से उसके चेहरे के जस्ट सामने एक लड़की आ जाती है, जिसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। युग उस लड़की को वहां पर अचानक से देखकर दंग रह गया था। युग कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम। वो लड़की को जवाब नहीं देती है, वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती है। युग को उस लड़की की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, जो पूरी तरह लाल हो गई थी। वो लाल आंखें युग को घूरे जा रही थी। युग उस लड़की का चेहरा देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। युग अपने कांपते हुए हाथों से उस लड़की के बाल उसके चेहरे के सामने से हटा रहा था। युग जैसे उस लड़की के बाल हटाता है, वो देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। पर अब उसकी आंखें लाल नहीं, नॉर्मल थी। युग बिचकते हुए कहता है, शालिनी तुम यहाँ कैसे, तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना। शालिनी बड़े प्यार से जवाब देती है, युग जी मैंने कहा तो था आपको कि मुझे नींद नहीं आ रही, पर आप ही थे कि मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मैंने आपको अपने कमरे के सामने से गुजरता हुआ देखा था, मुझे लगा आप मेरे कमरे में आएंगे, पर आप तो यहाँ पर आ गए, इसलिए मैं भी चली आई। पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। युग जवाब देता है, वो मैं किताब ढूंढ रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए किताब पढ़ने से नींद आ जाती है। शालिनी कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे भी एक किताब दे दीजिए, मुझे भी नींद नहीं आ रही। युग वापस से किताब ढूंढते हुए कहता है, हाँ देता हूँ, पर पहले मैं जो किताब पढ़ रहा था वो तो ढूंढूं, पता नहीं कहाँ पर रख दी, मैंने उसे आधी ही पढ़ी थी, बहुत अच्छी किताब थी वो। शालिनी पूछती है, कौन सी किताब थी वो। युग जवाब देता है, बेगानी रोग। युग का जवाब सुनकर शालिनी हंसने लग जाती है। युग हैरानी के साथ कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो शालिनी। शालिनी हंसते हुए जवाब देती है, हंसू नहीं तो क्या करूं युग जी, भले ऐसे भी कोई किताब पढ़ता है क्या, कोई सी डरावनी किताब लग रही है। युग जवाब देता है, शालिनी ये जो कमरा देख रही हो ना, इसमें सारी किताबें डरावनी ही है, पापा को थ्रिलर कहानियां पसंद थी, ये उनका कलेक्शन है, मेरा नहीं। शालिनी किताबों की तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहती है, अच्छा तो यहां से मिलती थी उनको इंस्पिरेशन, मुझे तो लगता था ग्रेवयार्ड कोठी से मिलती थी। युग शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, ग्रेवयार्ड कोठी से मतलब। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।